आइए हम लोगों ने स्टॉक एक्सचेंज पढ़ना शुरू किया था और स्टॉक एक्सचेंज के बारे में सबसे पहले हमने बात की थी कि कंपनी को जब जब पैसे की रिक्वायरमेंट होगी कंपनी किस मार्केट में आएगी और वहां पे अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट इश्यू करेगी। कंपनी जितने भी बार प्राइमरी मार्केट में इंस्ट्रूमेंट को इश्यू करेगी उन्हें उतने बार अपने उस इंस्ट्रूमेंट को सेकेंडरी मार्केट में क्या करना पड़ेगा, सेकेंडरी मार्केट में उन्हें लिस्ट करना पड़ेगा। कहा ठीक है। फिर हमने देखा था कि जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज है वो तीन जो है वो टाइप में बटे हुए हैं। कौन कौन सा? डेजिग्नेटेड डायनेमिक, रीजनल और ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। डेजिग्नेटेड और डायनेमिक स्टॉक एक्सचेंज उस स्टॉक एक्सचेंज को कहते हैं जिसका नेशन वाइड टर्मिनल, और नेशन वाइड टर्मिनल का मतलब क्या है? ठीक है, उस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी के शेयर्स को कहीं से भी आप ट्रेड कर सकते हैं, वहां फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है। रीजनल स्टॉक एक्सचेंज का नेशन वाइड टर्मिनल नहीं होता है। ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया हमारा जो है उसके बारे में हमने देखा था कि इसका किस तरह का स्ट्रक्चर है। तो भाई 30 लाख रुपए से लेकर के कहां तक, 3 करोड़ तक वाला जो है वो वहां पे ही रहेगा। ठीक है, यानी कि ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया में। इसके बाद हमने देखा था लिस्टिंग, डिलिस्टिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज। ये तीन मेजर काम है किसके, ये तीन मेजर काम है स्टॉक एक्सचेंज के, जिसमें से एक हमने कहा क्या है, लिस्टिंग। हमने पहले लिस्टिंग पढ़ना था, फिर हमें डिलिस्टिंग, और फिर हमें आना था किस पे, ट्रेडिंग पे। लेकिन हम लोगों ने पहले जो है स्टॉक एक्सचेंज का एक हिस्ट्री पढ़ा था कि कैसे स्टॉक एक्सचेंज पहले जो है वो क्या था, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, फिर आपका कंपनीज एक्ट आया, धीरे धीरे जो हम सिविलाइज होते गए तो हमने इसको बदला किस में, सेक्शन 25 एज पर कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग। फिर हमने जो है वो कहा कि उस समय ये हमारा म्यूचुअल स्टॉक एक्सचेंज था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई पर्सन चाहे तो इन तीन के तीनों कैपेसिटी में, दो कैपेसिटी में और एक तो कर ही सकता है। फिर यहाँ पे एक फ्रॉड आया जिसके कारण हमने यहाँ पे तीन तरह के जो है वो चेंजेस लाए। पहला इनकॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा डीम्यूचुअलाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, और तीसरा चीज किया कि हमने इनसाइडर ट्रेडिंग को और ज्यादा क्या कर दिया, स्ट्रिक्ट कर दिया, और ज्यादा उसमें चीजों को इम्प्लीमेंट किया। जहां हमने देखा कि कोई भी जो है वो इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं करेगा, अगर करेगा तो हैवी फाइन पेनल्टी इम्पोज कर दिया। इसके बाद हमने एक एक आस्पेक्ट इसके देखने शुरू किए, लिस्टिंग, डिलिस्टिंग और ट्रेडिंग के। पहले हमने लिस्टिंग देखा था, लिस्टिंग का पूरा प्रोसीजर हमने देखा था। फिर हम किस पे आए थे, डिलिस्टिंग। डिलिस्टिंग को हमने दो पार्ट में बांटा था, एक हमारा वॉलंटरी डिलिस्टिंग और एक हमारा कंपल्सरी डिलिस्टिंग। वॉलंटरी डिलिस्टिंग हमने पहले पढ़ना शुरू किया और हमने कहा कि वॉलंटरी डिलिस्टिंग में दो आस्पेक्ट, अपनी मर्जी से कंपनी अपने आप को क्या कर रही है, डिलिस्ट कर रही है। लेकिन अगर डिलिस्ट का जो ये कार्यक्रम चल रहा है इसके बाद अगर आप NSE या BSE किसी भी एक डेजिग्नेटेड या डायनेमिक स्टॉक एक्सचेंज में मौजूद रहते हैं तो ऐसे केस में आपको लोगों को एग्जिट अपॉर्चुनिटी देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ लोग का मतलब आपके एग्जिस्टिंग क्या है, शेयर होल्डर्स, उनको कहीं कोई एग्जिट अपॉर्चुनिटी देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप इस वाले डिलिस्टिंग कार्यक्रम के बाद ना NSE में पाए जाएंगे ना किसमें, BSE में, तो ऐसे केस में आपको क्या करना रहेगा, ऐसे केस में आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा। और एग्जिट अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि आप उनको पैसे देंगे और उनको कहेंगे कि आप अपने शेयर देना चाहते हैं तो दीजिए। हम लोगों ने इन दोनों का जो है वो कंप्लीट क्या देखा था, प्रोसेस देखा था। और इन प्रोसेस को देखने के बाद फिर हम पहुंचे थे कहां पे, कंपल्सरी डिलिस्टिंग पे, जहां पे हमने जो है वो देखा था कि कंपल्सरी डिलिस्टिंग के दो आस्पेक्ट, एक ड्यू टू थिन ट्रेडिंग और एक हो गया बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ को फर्दर हमने कैटेगराइज किया और कहा कि ये जो हो रहा है किसके कारण, स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज में कुछ गड़बड़ किया है जिसके कारण क्या किया जा रहा है, जिसके कारण आपको जो है वो डिलिस्ट किया जा रहा है। और ये जो था हमारा बाय एनी अनदर स्टैट्यूट, यानी कि ये स्टॉक एक्सचेंज नहीं कर रहा है, किसी और जगह आपने कोई कॉन्ट्रावेंशन किया है, चाहे वो सिविल कोड हो चाहे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हो, और उसके लिए जो है वो सजा क्या है, डिलिस्टिंग है। तो तीसरा जो हमारा था वो थिन ट्रेडिंग था, जिसमें हमने देखा था कि पेड अप कैपिटल 1 करोड़ तक, उसके बाद अगर 1 साल या उससे ज्यादा दिनों तक आपके शेयर्स में कोई ट्रेड नहीं हुआ, और कोई ट्रेड नहीं होने का मतलब है ना शेयर्स खरीदे गए और ना क्या किया गया है, बेचा गया, तो इन दोनों में से कोई भी चीज अगर नहीं किया गया है तो वो बनता है डिलिस्टिंग का ग्राउंड बनता है। दूसरा, अगर आपके जो टोटल मेंबर हैं उनकी संख्या 300 या उससे क्या है, कम है, तो ऐसे केस में डिलिस्टिंग का ग्राउंड बनता है। दोनों में से कोई भी एक हो जाए, लेकिन पेड अप कैपिटल 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो देखा कि एक बार डिलिस्ट करने के बाद कितने दिन के बाद क्या कर सकते हैं,
और कितने दिन के बाद लिस्ट करने का मतलब हुआ कि फिर से कब से हम नया इशू ला सकते हैं, क्योंकि जितने बार भी आप इशू लाएंगे उतने बार आपको क्या करना पड़ेगा, उतने बार आपको जो है वो लिस्ट करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोगों ने जो है वो देखना शुरू किया इसके तीसरे एस्पेक्ट को और तीसरे डायमेंशन को, जो हमारा था ट्रेडिंग मैकेनिज्म, जहां हमने देखा था कि जिस तरह हमारा और आपका परफॉर्मेंस रिजल्ट से पता चलता है, हालांकि वो रिजल्ट हमारे ओवरऑल कंप्लीट जो है वो चीजों को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, बस वो हमारे गिने चुने कुछ सब्जेक्ट के परफॉर्मेंस को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। अगर हम कह देते हैं कि भाई ये हमारा जो है वो बीकॉम का रिजल्ट है, तो बीकॉम के कुछ पेपर को वो हमारे परफॉर्मेंस को बता रहा है, और अगर हम कहते हैं हमारे सीएस का रिजल्ट है, तो सीएस के जो है वो कुछ पेपर को वो क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसके परफॉर्मेंस को बता रहा है। ठीक वैसे ही एनएससी में बड़े सारे हजारों की संख्या में कंपनी लिस्टेड है, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी जो है वो थाउजेंड्स ऑफ कंपनी क्या है, लिस्टेड है, लेकिन आज उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा रहा, और यहां परफॉर्मेंस का मतलब ये हुआ कि उनको मार्क्स कितने आए ये नहीं, आज ओवरऑल कल से वो महंगा बिक रहे हैं, ज्यादा बिक रहे हैं, पिछले जो है वो प्राइस से कम पे बिक रहे हैं या कम बिक रहे हैं। कहा कि इन्हीं चीजों को हम क्या कह देते हैं, इन्हीं चीजों को बेसिकली हम उसका जो है वो परफॉर्मेंस कह देते हैं, और ये अगर हमारा परफॉर्मेंस है तो कहा गया कि इसको कैसे इवैल्यूएट करेंगे, तो कहा इसको इवैल्यूएट करने के लिए हमारे पास जो वर्ड है उसे हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स। जैसे हम यहां रिजल्ट बोलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज के परफॉर्मेंस को उसके किससे हम कोरिलेट करते हैं, इंडेक्स के साथ कोरिलेट करते हैं। एनएससी का जो मेजर इंडेक्स है वो कौन सा है, निफ्टी, जिसका पूरा नाम एसएनपी यानी स्टैंडर्ड एंड पुअर सीएनएक्स निफ्टी है। ठीक वैसे ही अगर हम बात करें कि जो हमारा बीएसई है, इसका जो है जो परफॉर्मेंस है, इसको हम किससे कोरिलेट करते हैं, सेंसेक्स से करते हैं। ताकि सिर्फ यही दो इंडेक्स नहीं है, ऐसे ही उन्होंने बैंकिंग कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए अलग बनाया हुआ, ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए अलग बनाया, एफएमसीजी के लिए अलग बनाया है, लेकिन ये कौन सा है, ये जो है वो इनका मेजर हो गया। जैसे इस समय भी शायद आप मल्टीपल एग्जाम हो सकता है दे रहे हो, ग्रेजुएशन में भी हो और इधर सीएस में भी है, लेकिन अगर करियर वाली बात करें तो वो किससे है, सीएस से, क्योंकि आप देखते हैं इसका कभी कभी एग्जाम रहता है तो कहते हैं सर बस 10 मिनट रुको एग्जाम खत्म ही होने वाला है, और जब तक हम लोग इधर बाकी लोगों से बातचीत कर रहे थे तब तक आप लोग निपटा देते हैं, ग्रुप बनाते हैं, निपटा दिया। लेकिन ऐसे ही ग्रुप बना करके सीएस का पेपर होगा कि सर रुको अभी निपटा देते हैं, ये निपटाना होगा जब उनका प्री टेस्ट होगा, वो वाला होगा, लेकिन जो है ये निपटाना वैसे नहीं होगा जब आप क्या कर रहे होंगे, एग्जाम। इसका मतलब है कि दोनों ही एग्जाम आपके हैं, आप इधर बीकॉम भी कर रहे हैं या जो भी ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं और इधर सीएस भी कर रहे हैं, लेकिन हम कहें कि अगर मेजरली आपका करियर अब ओरिएंटेशन किसमें हो गया तो कौन सा एग्जाम हो गया, सीएस का हो गया। ठीक वैसे ही एनएससी का मेजर इंडेक्स निफ्टी 50 जिसको कह देते हैं, और बीएससी का कौन सा हो गया, सेंसेक्स हो गया। और हमने देखा था कि ये कैसे डिटरमाइन होता है, इसमें तीन एस्पेक्ट हमने देखा था, कितने पॉइंट पे वो इंडेक्स बंद हुआ, और अभी जो है वो कितना पॉइंट जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, और कितने परसेंट का इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। तो अगर हम बोले तो तीन चीजें निकल के आई, एक कि इस समय उसका जो है वो पोजीशन क्या है, उसको बोलते हैं कितने पॉइंट पे बंद हुआ, वो एग्जैक्ट पोजीशन बतलाया। अब अगर पिछला जो है, और ये निकालते किसके बेसिस पे है, कहा कि ये निकालते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे। सेंसेक्स ने कहा, यानी कि बीएसई ने कहा कि मैं जो अपना सेंसेक्स नाम का इंडेक्स डिटरमाइन करूंगा उसके लिए मैं कितने कंपनीज को सेलेक्ट करूंगा, उन्होंने कहा मैं 30 को सेलेक्ट करूंगा। कहा कि 30 कोई सा भी ले लोगे, कहा नहीं 30 कोई सा भी नहीं लेंगे, 30 जो हम लेंगे वो कोशिश करेंगे कि हर इंडस्ट्री से हम क्या कर सके, ले सके, और हर इंडस्ट्री से उन अच्छे अच्छे को जो है वो ले सके जो रियल में जो है वो तीन कम से कम पैरामीटर पे खड़ा उतरे। बहुत सारे और भी पैरामीटर्स हो सकते हैं, लेकिन कम से कम कितने, तीन। एक सबसे पहला का कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का अच्छा रिकॉर्ड होना चाहिए, यानी कंपनी का कंप्लायंस रिकॉर्ड अच्छा हो, उसके ऊपर बार बार जो है वो नोटिस एफआईआर इस तरह की कंपनी ना हो जिसके ऊपर स्कैम वगैरह का आरोप लग रहा हो। कहा ठीक है, ये तो साफ सुथरी कंपनी। कहा दूसरा, उसका ट्रेडिंग वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए, ये नहीं कि ऐसे कंपनी को लिया जिसका ट्रेडिंग ही ज्यादा नहीं हो रहा है तो उसके बेसिस पे मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या निकालेंगे, आज हुआ कल, कल नहीं हुआ तो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन निकलेगा, आज जीरो निकलेगा, कल के लिए निकलेगा। तो कहा ट्रेडिंग वॉल्यूम अच्छा रहे, और तीसरा चीज कहा कि उस कंपनी का फंडामेंटल अच्छा हो, और फंडामेंटल का मतलब हो गया कि ओवरऑल कंपनी के बोर्ड में कैसे लोग हैं, कंपनी ओवरऑल कितना एसेट रखे हुए, कैसा परफॉर्म कर रही है, शुरू से अभी तक किस तरह से अपने बिजनेस वगैरह को बढ़ाते जा रही, कहां से स्टार्ट की कहां पहुंच गई, ये उसके किस चीज को बताया, फंडामेंटल को बताया।
कहा ये मेजर तीन चीजें हम जरूर देखेंगे। कहा इन चीजों के बेसिस पे वो किसी कंपनी को बदलना चाहे, सेंसेक्स से हटाना चाहे, उनकी मर्जी हटा सकते हैं। अगर निफ्टी यानी एनएससी अपने निफ्टी में से 50 में से किसी को हटाना चाहे तो क्या कर सकती है, हटा सकती है। किसी को ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकती है। चांस की बात है, जो निफ्टी 50 में है वही सेंसेक्स के 30 में भी हो सकता है। कहा बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अच्छा अगर एक को लग रहा है तो दूसरे के लिए भी शायद वो अच्छे के कैटेगरी में हो। बट कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी एस्पेक्ट में एक ने जिसको कहा कि ये बहुत अच्छी कंपनी, दूसरा बोले कि नहीं अच्छी है लेकिन ये मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे थोड़े अंतर भी हो सकते हैं। मैंने आपको निफ्टी 50 के हर एक कंपनी का स्क्रॉल करके दिखाया था, मैंने आपको सेंसेक्स का भी दिखलाया था, और ये भी दिखलाया था कि कैसे मेजरली जो भी आपके जो है वो सेंसेक्स में दिख रहे हैं वो कहां पे दिख रहे थे, और उसके अलावा भी 20 और दिख रहे थे। इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसके बेसिस पे हम तय करते हैं कि सेंसेक्स या निफ्टी किस पॉइंट पे है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब है कि एक एक शेयर जितने में बिके हैं, एक शेयर बिका है मल्टीप्लाई कर दीजिए उसके किस चीज से कितने में बिका है, प्लस का चिन्ह लगाए रखिए। फिर थोड़ी देर बाद एक और बिक गया तो अब क्या करेंगे, एक और कितने प्राइस पे बिके वो, ऐसे करते हुए जब जाएंगे तो ये टोटल क्या निकलता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन। और हर घड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन आप निकाल सकते हैं, क्योंकि ये चीज जो है वो किसके जरिए होता है, सॉफ्टवेयर के जरिए होता है। और उसके बेसिस पे ये तय होगा कि इतने मार्केट कैपिटलाइजेशन पे इतना पॉइंट था, अभी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उस पे कितना पॉइंट होगा। ये बढ़ा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। अगर ये बढ़ा हुआ रहा तो हम बोल देंगे कि ग्रीन में कि इतने पॉइंट बढ़ गया, और बदले में यहाँ पे परसेंटेज में लिख देंगे, कोई बात नहीं। अगर कम भी है तो पिछले वाले पोजीशन से जितना कम है वो निकाल लीजिए और परसेंटेज में उसे क्या कर दीजिए, लिख दीजिए। और हमने ये कंप्लीट तरीके से निकालना सीख लिया था, और इसी मैंने आपको बताया था, चूंकि बहुत पुरानी बात है तो हमने जो बेस लिया था ऑन पेपर हम कह देते हैं कि बीएससी का 100 का बेस था और निफ्टी का 1000 का था। फिर मैं कह रहा हूं एग्जाम में आप यही लिखिएगा कि बीएससी का 100 का बेस और निफ्टी का 1000 का बेस लिया था, जब इन्होंने निफ्टी का जो क्या बनाया, पॉइंट बनाया कि इतना मार्केट कैपिटलाइजेशन इक्वल टू इतने पॉइंट, तो 1000 पॉइंट। उसने बोला इतने इक्वल टू इतना क्या हो गया, 100 पॉइंट्स हो गए। लेकिन ये बात इतनी पुरानी हो गई कि बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं वो इस चीज को कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं। क्यों कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, ये अगर आपका खुद कभी ध्यान गया तो मैं बताऊंगा, वरना आप पचा नहीं पाएंगे, हाइडोज हो जाएगा। आप कहे सर हमारा ध्यान कैसे जाएगा, देखिएगा चला जाएगा। अगर कभी आप निफ्टी और सेंसेक्स को गौर करेंगे तो निफ्टी और सेंसेक्स का जो पॉइंट रहेगा उसमें आपको 3 से लेकर 3.25 टाइम्स का जो है वो डिफरेंस दिखता रहेगा। कभी देखिएगा तो बात करेंगे, मैंने पहले ही बोला फिर बहुत हाई हो जाएगा। उसका नहीं, इसका मतलब हुआ कि 64 पॉइंट बोल रहे हैं या 64, हाँ तो इसका मतलब ये चीज है। दिखाया तो था आपको, अच्छा आपने ऐप पे देखा था क्लास, तो आपने देखा था कि मैंने उसमें बताया था कि कैसे जो है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना होने पे इतने पॉइंट हुए। तो मान लीजिए कि आज का आपको दिख रहा था, याद था उस समय 63,000 समथिंग था, और अगर उतना था मान लीजिए 63,800 है, फाइन, इसका मतलब उस समय का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन हुआ कितने कंपनीज के शेयर का, कितने 30, जिससे सेंसेक्स बन रहा है, क्योंकि सेंसेक्स के बारे में वो बता रहा है। उसमें और खरीदारी होता जाएगा तो मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ता जाएगा या नहीं, और ज्यादा प्राइस पे खरीदारी होगा तो और बढ़ेगा या नहीं। दो फैक्टर है, एक है प्राइस और एक है वॉल्यूम। तो मुझे बताइए ज्यादा वॉल्यूम में ट्रेड होगा और ज्यादा प्राइस पे ट्रेड होगा तो दो तरफा जो है वो आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं बढ़ेगा। अगर बढ़ेगा तो आपके ये पॉइंट बढ़ते चले जाएंगे, जैसे हमने यहां देखा था कि 100 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन था तो 1000 पॉइंट। ऐसे ही मान लीजिए कि उस समय 100 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन था तो 63,800 था, अब अगर 105 करोड़ हो जाएगा तो ये 63 से बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, तो बढ़ करके 64,000 पॉइंट हो गया। अब उसके बाद वो उस पर लिखा हुआ रहेगा कि आज कितने पॉइंट बढ़ा, तो भाई 200 पॉइंट बढ़ा, क्योंकि जो है वो कल कितने पे बंद हुआ था, तो मान लीजिए 63,800, कल 3:30 की बात कह रहा हूं, और आज 3:30 पे बोलेंगे कि आज जो है वो पूरे दिन में इतने जो है वो उछाल आया या इतना गिरावट आया, तो कल अगर मान लीजिए 63,800 पॉइंट पे 3:30 लास्ट ट्रेड हुआ, बंद हो गया, उसके बाद तो चेंज नहीं होगा।
अब आप खुद देखिए 3:30 के बाद क्यों नहीं चेंज होता है, किसी भी शेयर्स को ना खरीदा जा रहा है ना बेचा जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हमें मार्केट कैपिटलाइजेशन मिल रहा है? तो जब मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं मिलेगा तो यूनिटरी मेथड से क्या निकालेंगे? जो लास्ट पॉइंट था वो तो हमने लिख दिया, अब उसका फिर कल सुबह मार्केट खुलेगा तब ना। अब कभी कभी देखिएगा आता है कि मार्केट खुलते ही सेंसेक्स जो 10 मिनट में इतने पॉइंट गिर गया, तो जैसे ही खुला किसी ने मारा धक्का जोर से, नहीं जैसे ही खुला इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि कम प्राइस में शेयर्स क्या होना शुरू हो गया, ट्रेड होना शुरू हो गया। पिछले दिन ज्यादा में बिक रहा था और आज कल जो 100-100 रुपए में बंद हुआ था शेयर्स, आज शायद 80 रुपए। इसका मतलब 20% का चेंज आया ना एक कंपनी में, 20 का आया, दूसरे में हो सकता है बढ़ोतरी आ गया। ऐसे करते करते ओवरऑल जो है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना कम हो गया कि उसके कारण कितने पॉइंट कम हो गए वो। अब आप देखिए, अगर हम 100 करोड़ को 1000 पॉइंट माने तो इसका मतलब है कि हर 1 करोड़ के प्लस और माइनस पे 10 पॉइंट का आपका डिफरेंस आ रहा है या नहीं? अगर 1 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन कम या ज्यादा होगा तो सेंसेक्स 10 पॉइंट ऊपर या नीचे होगा, मैं इस अकॉर्डिंग बता रहा हूं। ठीक वैसे ही आप सोचिए ना, जब 63,800 है तो उस समय भी तो कुछ मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा, तो वहां से जो कम ज्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस हो सकता है। पहले ही 10 मिनट में क्या हो जाए, कम हो जाए। और कभी कभी देखते हैं मार्केट खुलते ही इतना इस न्यूज के आते ही जो है वो सेंसेक्स जो है वो धड़ाम से गिर गया, मतलब जैसे लगा हार्ट अटैक आया, गिर गया। नहीं, ऐसे न्यूज बोलता है कि धड़ाम से गिर गया, लुढ़क गया, ये हो गया। इसका मतलब जैसे वो न्यूज आया लोगों ने क्या किया, जो चीज जो है वो 100-100 रुपए में लेना चाह रहे थे उसको क्या करना शुरू कर दिया, बेचना शुरू कर दिया कि नहीं भाई शायद जो है वो कल के डेट में और प्राइस क्या हो जाए, कम हो जाए। न्यूज आया कि फलाने जगह इन्हीं की सरकार बनेगी, या न्यूज आया कि RBI जो है वो रेट घटा रही है, इंटरेस्ट रेट जो भी चीज फेवरेबल न्यूज आया, फट से क्या हो गया, बढ़ गया। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर कंपनी के बारे में आया, ध्यान से सुनिएगा, तो उस केस में उस कंपनी का ज्यादा बढ़ता है और उसके कारण जितना वो इफेक्ट कर पाएगा किसको, सेंसेक्स के मार्केट कैपिटलाइजेशन को। अगर मान लीजिए इंफोसिस में चेंज आया, इंफोसिस में, तो इंफोसिस सेंसेक्स का पार्ट है। इंफोसिस का जो है वो प्रॉफिट, मान लीजिए बोला कि इस क्वार्टर का प्रॉफिट जो है वो 300% ज्यादा हो गया, 3 times ज्यादा हो गया, न्यूज अच्छा है। इंफोसिस के शेयर्स की ज्यादा खरीदारी होगी या नहीं? और ज्यादा होगा तो इसका मतलब देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ेगा, तो ठीक है उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ेगा तो वो कहीं ना कहीं सेंसेक्स के ओवरऑल में काउंट होगा या नहीं? अरे भाई उस 30 में से वो भी एक है, तो उसके कारण भी असर आएगा, बढ़ेगा, उससे भी सेंसेक्स बढ़ेगा। लेकिन जरा सोचिए, न्यूज आया और वो न्यूज आया कि कंपनी जो है वो सारे जो है गवर्नमेंट जो है वो जितने भी कंपनीज हैं इन कंपनीज के ऊपर टैक्स जो है वो 20% कम कर रही है, अब सारे कंपनी के शेयर्स क्या हो जाएंगे? अब यानी कि 30 कंपनी तो आपके बढ़ेंगे तो हजारों कंपनी के, लेकिन वो 30 कंपनी में मैक्सिमम के जब बढ़ने शुरू होंगे तो बताइए सेंसेक्स ज्यादा तेज भागेगा ही नहीं। तो इसीलिए कभी कभी जब किसी सेक्टर का न्यूज आता है, जैसे बैंकिंग सेक्टर का आया तो 3-4 बैंक हैं आपके सेंसेक्स में, तो उससे भी जो है वो सेंसेक्स बढ़ेगा। IT सेक्टर का आया तो IT सेक्टर के 3-4 कंपनी है, उससे बढ़ेगा। लेकिन अगर ऐसा न्यूज आ गया जिसका इफेक्ट IT सेक्टर पे भी है, बैंकिंग पे भी है, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स पे, तो बताइए ज्यादा तेजी से बढ़ेगा या नहीं? ठीक वैसे ही कोई ऐसा न्यूज जो सारे सेक्टर को जो है वो हिला के रख दिया, तो बताइए सेंसेक्स ज्यादा गिरेगा या नहीं? यही बेसिकली है, और यही मैंने आपको सबसे आसान तरीका बताया पॉइंट को क्या करने का, डिटरमाइन करने के लिए। और ये हर घड़ी क्यों बदलता है? क्योंकि हमेशा इसको हम कोरिलेट किससे कर रहे हैं, ठीक पिछले वाले पॉइंट से कर रहे हैं, और वो पिछला वाला पॉइंट माइक्रो सेकेंड में है, क्योंकि हर सेकेंड में जो है वो लाखों करोड़ों लोग क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। तो हर घड़ी तो मार्केट कैपिटलाइजेशन इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, और इसी चीज को डिटरमाइन करना ह्यूमन बीइंग के लिए पॉसिबल नहीं था, पहले इसी से हाथ से होता था। देखिएगा आज ही शुभ घड़ी आ गया जब बताऊंगा कि सेटलमेंट तक का काम जो है वो कैसे जो है वो मैनुअल करते थे, अब जो है उसके लिए क्या है, सिस्टम है। और देखिएगा अगर आज ही हम लोग बात करेंगे कि IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट वगैरह क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि मैक्सिमम चीज हम किससे करने लगे, इलेक्ट्रॉनिक मोड में। इसका भी जो एल्गोरिथम होता है इसको भी जो है वो IT एक्ट 2002 जो है क्या करता है, 2000 गवर्न करता है, करेंगे बात। देखिए इसलिए मैंने आपको बोला कि कुछ चीजों को पढ़ते वक्त कि बात यहां कर रहे होंगे, पहुंच जाएंगे कहां पे कभी कभी हम मॉड वन में, तो थोड़ा सा लिंक बना। कभी कभी तो देखते हैं हम प्रोफेशनल में भी पहुंच जाते हैं लेकिन वहां पे रुकते हैं कि ये ज्यादा डिटेल में करेंगे, लेकिन यहां वाला चीज का कोरिलेशन है। इसीलिए IT एक्ट वगैरह डिपोजिटरी सिस्टम लाए 1996 में, कहा सब कुछ करोगे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हो गया, हैकिंग हो गया, इसके लिए कौन सा कानून है, बोला जा, ये तो हमने सोचा ही नहीं।
मतलब ये शुरू कर दिया कि हाँ अब तू बड़ा हो गया है, तुझे नौकरी भी मिल गई, अब तू शादी कर ले। हाँ ठीक है, रखोगे कहाँ, जा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो ये जो है वो बेसिकली जो है वो ऐसे ही करके जब एक एक चीज करते जाते हैं तो हमें लगता है कि ये तो हमने सोचा ही नहीं, तब क्या करते हैं, फिर एक्ट बनाते हैं। तो यहां हमने कहा कि हमने जो है दो जो है वो बेसिकली तरीका बनाया, एनएससी ने अपना बनाया और बीएससी ने कुछ नहीं है, सॉफ्टवेयर का नाम है, एक बनाया वोल्ट और एक बनाया दो काम करेगा। एक काम तो हमने देख लिया, डिटरमाइन करेगा, और सेंसेक्स का मतलब अपने इंडेक्स को। क्या बीएससी में सिर्फ एक ही इंडेक्स है? नहीं, सेंसेक्स मेजर है, इसीलिए सेंसेक्स के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर बीएससी का ही जो है वो बैंक निफ्टी है, बैंक एक्स आपने देखा था करके था, ऐसे ही जो है वो एसएनपी बीएससी ऑटो, इसका किसके लिए था, ऑटोमोबाइल एफएमसीजी। तो कहा इसको भी डिटरमाइन, जितने भी क्या है आपके, जितने भी आपके इंडेक्स है सबको डिटरमाइन करने के लिए यही सॉफ्टवेयर है। ये वैसे ही समझ लीजिए कि अगर आपके पास वीएलसी प्लेयर नाम का सॉफ्टवेयर है तो उस पर थ्री इडियट ही चलेगा या पद्मावत भी चलेगा, और वो भी कौन सा भी राम, आदि पुरुष भी चलेगा। तो ये सारे के सारे जो है वो उस पर चीज चलेंगे, और ऐसे ही नेट हमारा है, और इन दोनों में ज्यादा एडवांस कौन है, नेट है, यानी कि नेशनल एक्सचेंज ऑफ ऑटोमेटेड ट्रेडिंग जो है। और इसके पहला काम तो हमने देख लिया, डिटरमाइन करना इंडेक्स को, दूसरा क्या है, टू मेक सेटलमेंट इन ट्रेड परफॉर्म इन बीएससी और इसका ट्रेड परफॉर्म इन एनएससी। बताऊंगा कि अब ये सेटलमेंट कैसे होता है, क्योंकि ये पोर्शन तो अभी बताया नहीं है। तो चलिए, यहां तक का सफर हमने पिछले एपिसोड में तय कर लिया था, यहां से आगे बढ़ते हैं। जल्दी बताइए, यहां तक में कोई गिला शिकवा दुख दर्द, पक्का बढ़े आगे? अब देखिए, देखने में ऐसे लग रहा है माय गॉड, लेकिन है बहुत आसान, समझिएगा आप इसी चीज से, जबकि एग्जाम में बस इतना लाइन ही लिखना रहेगा जो यहां लिखा है बस, और इसके बाद जो रहेगा वो ये वाला लाइन जो है वो लिखना रहेगा एग्जाम में, लेकिन समझना आप इसी से कर पाएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, तब समझ जाइएगा, और सही में अगर लिखना सिर्फ आता है तो यकीन मानिए कहीं रटना नहीं पड़ेगा, और उतना मोटा सा जो आपका नोट्स है उसकी बहुत कम जरूरत पड़ेगी, मिलेगा भी। चलिए, अब यहां पे अगर हम लोग बात करें तो कहा सेटलमेंट का मतलब क्या है, कहा सेटलमेंट का बड़ा सिंपल सा मतलब है, और इस सेटलमेंट का सिंपल सा मतलब क्या है, कहा इस सेटलमेंट का सिंपल सा मतलब बस ये है कि आपने जो भी क्या किया है, ट्रेड किया है, जो भी आपने जो है वो शेयर्स खरीदा है वो आपके पास पहुंच जाए, और आपने जो भी शेयर्स बेचा है उसके बदले में आप तक क्या पहुंच जाए, पैसे पहुंच जाए। बहुत आसान शब्दों में यही मतलब है, किस चीज का, सेटलमेंट का, यानी हमने शेयर्स खरीदा है तो हमारे पास शेयर्स आ जाए, जिसने शेयर्स बेचा है उसके पास पैसे, अगर हमने बेचा है तो हमारे पास पैसे आ जाए, जिसने खरीदा है उसके पास क्या हो जाए, हमारा शेयर्स चला जाए। लेकिन ये चीज होगा कैसे, तो कहा गया कि इस चीज के लिए हमें आना पड़ेगा फ्लैशबैक में, और हमें आना पड़ेगा थोड़ा सा हिस्ट्री में, और वो समय है जब हमारे पास ना कंप्यूटर था ना हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी था, लेकिन उस समय भी तो स्टॉक एक्सचेंज था। मैंने आपको बताया 1875 ऑफिशियल रिकॉर्ड है, अनऑफिशियली तो और उससे 20 साल पहले से हमारे पास ट्रेडिंग का रिकॉर्ड है। तो कहा जब इतने पहले से ट्रेड हो रहा है तो उस समय कैसे ट्रेड होता होगा, कहा गया कि उस समय वैसे ही ट्रेड होता होगा। देखिए अभी आप क्लास कर रहे हैं, देखा अगर नहीं आए थे खुशी सीनियर तो उन्होंने घर से क्लास कर लिया और कह रहे हैं कि हाँ सर मैंने वो क्लास देख लिया था। इसका मतलब है कि क्या यही चीज बहुत पहले था अवेलेबल? अगर आपकी क्लास छूट गई तो छूट गई, या तो आप टीचर के रहमो करम पे हैं, या आप अपने फ्रेंड के रहमो करम पे हैं कि कहां से नोट भी करेंगे, तो किसी से भाई कॉपी दे दो, नहीं कोई दे रहा है तो फोटो कॉपी करा लो कि मैं जाकर के फिर कॉपी कर लूंगी। कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं हर चीज में धीरे धीरे एडवांसमेंट आता है, लेकिन वो भी एक दिन था जब हम लोग जी रहे थे, एडवांसमेंट होता गया तो भी हम जी रहे हैं। एक समय वो भी था जिस समय मोबाइल का आविष्कार ही नहीं हुआ था, जिस समय मेरा स्टूडेंट लाइफ था उस समय कहीं पे कोई मोबाइल ही नहीं। तो इसका मतलब है कि हम जो है वो इंस्टीट्यूट पहुंचते थे या नहीं पहुंचते थे, अभी चिंता रहती है कि क्लास कहीं ज्यादा देर तो नहीं हो रही है, कहीं ये तो नहीं हो रहा है। इंस्टीट्यूट में भी एक नंबर होता था, और वो भी किसी बड़े इंस्टीट्यूट है तो होगा, नहीं तो वो भी नहीं होगा, वो भी लैंडलाइन का नंबर हुआ करता था। तो कह रहे वो भी समय था, आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे होते थे, हर जगह नहीं जो है वो बताते जाते थे कि अब हम इस स्टेशन पहुंचे, अब हम वहां पहुंच गए, और ना ही आपके पास वो ऐप होता था वेयर इज माई ट्रेन,
कि आप देख लें कितना है, सिर्फ और सिर्फ 131 या 139 होता था जिसपे कॉल करते थे, और वो भी जो है बूथ में जाकर के पैसे गिरा करके, या जो है जो भी बिल चल रहा होता था कि ये ट्रेन कितने घंटे लेट है और कैसे है, लेकिन समय चल रहा था ना, वैसे ही धीरे धीरे एडवांसमेंट आता जाता है। लेकिन ये बात उसी समय की, उतने ही पुराने समय की है। कहा गया कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं था, तो टेक्नोलॉजी नहीं था तो कैसे ट्रेड करते थे। कहा गया कि एक पूरा सप्ताह लेते थे और कहते थे जिसको जिस जिस कंपनी के शेयर खरीदने और बेचने हैं आइए, फिजिकली आइए और आकर के बताइए और अपना ऑर्डर क्या कीजिए, प्लेस कीजिए। और एक पूरा का पूरा सप्ताह किस चीज के लिए, ऑर्डर प्लेस करने के लिए। सैटरडे संडे जो है वो काम नहीं होता था, लेकिन सप्ताह में इसका मतलब ऐसा थोड़ा था पांचवी दिन होंगे, सप्ताह में तो सात दिन, इसमें से इस पूरे वीक में कहा आप आइए और क्या कीजिए, ऑर्डर प्लेस कीजिए। तो पांच दिन तक वो ऑफिस खुला रहता था, तो लोग आते थे, किसी को खरीदना है तो खरीदने के लिए बाय ऑर्डर प्लेस करते थे, जिसको शेयर बेचना है वो क्या करते थे। पूरे सप्ताह तक यही लिखा पढ़ी चल रहा है। एक सप्ताह बीत गया, अब अगले सप्ताह जो है वो ऑफिस नॉर्मल लोगों के लिए बंद। नॉर्मल लोगों के लिए बंद होने का मतलब ये नहीं कि ऑफिस बंद है। अब बात यह हो गई कि जितने भी लोगों ने पिछले वीक में खरीदने या बेचने का क्या लगाया था, ऑर्डर लगाया था, वो खरीदने और बेचने का जो है वो ऑर्डर को अब सेटल किया जाएगा। जिन्होंने खरीदने का ऑर्डर लगाया था उनको शेयर्स मिलेगा, और जिन्होंने बेचने का लगाया था उनको पैसे मिलेंगे। उन्होंने बोला हम नया कोई ऑर्डर नहीं लेंगे इस पूरे के पूरे वीक में, यानी कि फर्स्ट वीक में सिर्फ और सिर्फ हमने क्या कलेक्ट किया, ये ऑर्डर में बाय भी आता है या सिर्फ सेल ऑर्डर आता है, बाय और सेल दोनों ऑर्डर हमने कलेक्ट कर लिया। इन दोनों ऑर्डर को कलेक्ट करने के बाद हम पहुंचे सेकेंड वीक में, और इस सेकेंड वीक में सिर्फ उन्हीं ऑर्डर को जो है क्लियर और सेटल करेंगे जो इस वीक में हमने क्या किया था, यानी कि नो ट्रेडिंग इन दिस वीक, ओनली व्हाट, सेटलमेंट ऑफ द ट्रेड एग्जीक्यूटेड लास्ट वीक, उसको क्या करेंगे, सेटल करेंगे। अब वो वीक पूरा हो गया, जिन्होंने इस सप्ताह खरीदने बेचने का काम किया था उसको इस सप्ताह में शेयर्स और पैसे मिल गए। फिर अगले सप्ताह में बोला कि अभी कोई सेटलमेंट नहीं होगा, अब क्या करेंगे, आओ दरवाजा खुला है, अब सब लोग क्या करो, फिर बाय और सेल। फिर लोग आए जिनको खरीदना था वो खरीदने का, जिनको बेचना था वो बेचने का, क्या किए, ऑर्डर प्लेस किया। हमने सारा का सारा ऑर्डर क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया, लेकिन इस वीक में कहीं कोई ट्रेड नहीं हो रहा है। फिर जो है वो दुकान बंद। बंद का मतलब इनके लिए, जो लोग ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं फिर बंद। और इस फोर्थ वीक में कौन सा जो है वो सेटलमेंट होगा, वो सेटलमेंट जो ऑर्डर हमने कब लिया था, थर्ड वीक में लिया था, इसमें कोई भी जो है वो ट्रेडिंग नहीं होगा। तो वन वीक वॉज फॉर ट्रेडिंग एंड वन वीक वॉज फॉर मेकिंग सेटलमेंट ऑफ द ट्रेड परफॉर्म्ड लास्ट वीक। ये बेसिकली हमारा जो है वो लिमिटेशन था, और लिमिटेशन मैंने बताया क्यों था, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। मुझे बताइए, आप जो है वो घर से निकलते थे, मान लीजिए कोई जो है वो यूपी बिहार पंजाब कहीं भी रह रहे हैं, घर से चले हैं दिल्ली आने के लिए, तो दिल्ली आने के लिए चले हैं तो अभी आप देखते हैं हर घड़ी बताते रहते हैं, कितने बार तो लाइव लोकेशन तक शेयर कर देते अगर घर वाले को ज्यादा जो है वो दिक्कत है। मैं किसी चीज पे कमेंट और ये नहीं कर रहा, मैं ये बता रहा हूं कि आप अगर गौर कीजिएगा और आप अगर चाहिएगा तो आप मिनिमम रिसोर्सेज में भी रह सकते हैं, या जो रिसोर्सेज आपको है वो भी कम लगेगा, वो डिपेंड करता है आपने माइंडसेट क्या किया हुआ है। इसीलिए कुछ लोगों को मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, सलाह देता हूं कि मत परेशान हुआ कीजिए फोन की तरफ। जैसे देखिए मैं आराम से छोड़ देता हूं, आप देखते हैं कोई भी इच्छा, मैं तो चाहता हूं बिल्कुल ही ना बजे, सिर्फ वो वाला मैसेज आता रहे कि दिस मच ऑफ अमाउंट हैज बीन डिपॉजिटेड इन क्रेडिट, उसके अलावा और कोई मैसेज ना आए। क्योंकि अगर मान लीजिए लोग हैं सब अपनी जगह बस ठीक रहे, दैट्स इट। इसलिए बहुत ज्यादा टेम्पटेशन मत रखिए, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन आपका है। सोचिए उस समय में क्यों मैं बोलता था कि ज्यादा लोग पढ़ लेते थे, इसीलिए क्योंकि जब डेविएशन कम रहेगा, सोर्सेस कम रहेंगे डेविएट होने के, तो पढ़ाई क्या होगी ज्यादा। मैं खुद बताता हूं, मेरी भी बिटिया पढ़ती है और मैंने देखा मेरे रिलेटिव के भी बच्चे पढ़ते हैं। हमने ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं रखा है कि बच्चा जो है वो मोहल्ले में जाएगा और खेलेगा, ये ऑप्शन है ही नहीं। उसे शुरू से ही नहीं सिखाया गया, उसे पता ही नहीं कि नीचे उतरेगी इतने बजे और मोहल्ले में जाकर के बच्चों के साथ क्या करेगी, खेलेगी, तो ये ऑप्शन नहीं है। और वही आप देखिएगा कि शाम के समय बच्चे गर्मी के छुट्टी में लगातार दौड़ रहे होते हैं,
सुबह से शाम तक दौड़ रहे होते, हाहाकार मचा रहे होते हैं, घर वाले परेशान हैं और आवाज दे रहे होते कि आजा आजा पढ़ ले या ये कर ले, होमवर्क भी करना है ये भी करना है। उसके दिमाग में ऐसा सेंस ही नहीं दिया गया, तो नहीं दिया गया तो वो या तो जो है वो घर में ही कुछ करेगी, जो भी चीज है उसके अपने एंटरटेनमेंट के उसी में लगा हुआ है। अब उसको जैसे अपना होमवर्क करना है तो बोला गया कि बेटा जो काम आज का है वो खत्म कर लेना है। कैन यू बिलीव कि वो छोटा सा बच्चा 2:30 बजे रात तक मेरे साथ में अपना काम कर रहा था और वो अपना समर का जो है वो प्रोजेक्ट कर रही है, जो भी मिलता है ये साटो तो झोपड़ी बनाओ, उस झोपड़ी के ऊपर वो चिपकाओ, वो नहीं आता जूट के जो है वो धागे लाओ, वो भी करे, मुझे भी करवा रही है कि पापा मदद कर दो। तो हाँ ठीक है कर देते, मेरा मदद चाहिए तो बेटा हम रात में ही कर पाएंगे उस समय, ठीक है तो उसी समय कर दो। तो इस तरह से, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि जिस समय फोन नहीं हुआ करता था हम लोग भी घर से चलते थे और यकीन मानिए सिर्फ संडे को जो है वो बात हो पाती थी। क्यों बात होती थी? क्योंकि हम लोग फोन करेंगे तो बहुत पैसे लगते, उस समय बूथ हुआ करता था STDISD बूथ, पता नहीं आप लोगों ने वो देखा भी है या मूवी वगैरह में ही देखा होगा, ठीक है। उस समय बहुत अच्छा बिजनेस होता था टेलीफोन बूथ का, लोग नंबर लगाए रहते थे टेलीफोन एक्सचेंज कि हमें टेलीफोन बूथ का क्या मिल जाए, लाइसेंस मिल जाए। और संडे को हम लोग रहते थे, संडे को पापा फोन करते थे, हम लोग रिसीव करने के 2 रुपए उसे देते थे, इसीलिए क्योंकि ज्यादा देर बात मम्मा से भी बात करेंगे, पापा से भी बात करेंगे, दोनों भाई साथ रहते थे, पहले वो बात करेगा पापा से फिर मैं करूंगा, मेरा तो पापा से प्रणाम पापा अच्छे हैं प्रणाम पापा, मम्मा से जो है वो दरिया दिली वाली बात होगी, उसका पापा के साथ लंबा चौड़ा जो है बात चलेगा कि कौन जीता कौन हारा मैच में क्या हुआ, तो ऐसे करके चल रहा है। तो इसका मतलब बस मैं ये कह रहा हूं कि उस समय क्या बच्चे जो है घर नहीं पहुंचते थे लेकिन पढ़ाई ज्यादा होती थी। अभी के समय आप देखिए कभी ऐसे ही गौर कीजिएगा ना कि आप पढ़ रहे हैं, क्या पता कौन सा जो है वो खराब मुहूर्त में जो है वो ध्यान गया, टुन बजा, आपने सोचा चलो एक बार देख लेते हैं, कुछ नहीं बस उठाया देखने के लिए और फिर जो है वो पता भी नहीं चला कब आधे घंटे हो गए और फोन हाथ में ही रह गया। शायद मैं कम ज्यादा जो भी कह रहा हूं तो हो सकता है कभी कभी घंटों बीत जाए, तो ये बेसिकली आपको क्या करता है कहीं ना कहीं ज्यादा फैसिलिटी जो है वो रोक देता है। तो हमारे पास मजबूरी थी, क्या नहीं था हमारे पास? फैसिलिटी नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं था, तो हमने कहा कि एक सप्ताह तक क्या कर, लेकिन काम करेंगे। एक सप्ताह तक क्या कर रहे हैं? इकट्ठा कर रहे हैं ऑर्डर को और अगले सप्ताह उसका क्या कर रहे हैं? सेटलमेंट कर रहे हैं। धीरे धीरे एडवांसमेंट आता गया, यानी कि बाइंग और सेलिंग ये 1 वीक में हो रहा है और सेटलमेंट अगले वीक में। क्या बाइंग सेलिंग यानी कि ट्रेडिंग और सेटलमेंट एक साथ हो रहा है? कह रहे बिल्कुल ही नहीं, ये दोनों क्या हो रहा है? अलग अलग आपका चल रहा है। हाँ जी, कुछ आप पूछ रहे थे। फिर से बोलिए। वो ऑफिस ही खुला जो रहता था, जो स्टॉक एक्सचेंज का सेटलमेंट का है, वो सैटरडे संडे क्या रहता है? बंद रहता है। तो हम इसीलिए बोलते हैं कि 1 वीक तक पूरा का पूरा ऑर्डर प्लेस हुआ। तो ऑर्डर, अब एक चीज बताइए, मैंने बोला कि आपकी क्लास लगातार चल रही है, यानी कि आपकी क्लास पूरे वीक चली है, इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे वीक जो है वो मैं हर दिन आ रहा हूं। अगर मैंने बोला कि पूरे वीक मैंने क्लास ली, इसका मतलब है कि जो जो मेरा डेज था, अलॉटेड डेज था, उसमें से कोई छुट्टी नहीं हुई, तो इसका मतलब क्या हुआ? पूरे वीक। मैंने बोला पूरे मंथ मैंने क्लास लिया, मुझे जहां तक याद है, मुझे याद नहीं है लास्ट छुट्टी, आप लोग को याद है मेरा वाला कोई लास्ट छुट्टी? मतलब इंस्टीट्यूट बंद रहा देन दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ऐसे तो कोई छुट्टी मुझे ध्यान नहीं आ रहा। भूमिका शायद गुस्से में, नहीं नहीं वो नहीं, तो कह रहे हैं कि सर जले पे नमक छिड़क रहे और याद दिला रहे हो कि कब लास्ट हुआ या कैसे हुआ। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि मेरे तरफ से कोई छुट्टी नहीं, इसका मतलब क्या मैं पूरे महीने आपसे मिला? जो जो शेड्यूल डेट था उस डेट को हुआ, तो ठीक वैसे वो ऑफिस ही कितनी दिन चलता है? आपका 5 डेज का ऑफिस हुआ करता था। देखिए ये सिलसिला हमारा चलता रहा, धीरे धीरे थोड़ा एडवांसमेंट आया। क्या आया? थोड़ा एडवांसमेंट आया। पहले तो जो है वो कहते थे फोन के पास ही लोग जमा होते थे, क्योंकि फोन वही वायर वाला। अच्छा फोन आया, हाँ किससे? भूमिका से बात करना है? हाँ भूमिका देखो देखो मामा का फोन है, हाँ आ रही है। वो बात करके गए, हाँ किससे? उस किससे बात कर? पापा से। अच्छा पापा जी आपसे बात करेंगे मामा जी, हाँ हाँ आ रहे हैं। ये लोग भी परेशान कर देगा अगर पापा जी कहीं और हैं कुछ कर रहे हैं, और खास करके मामा लोग का फोन आएंगे तो पापा लोग ऐसे ही बोलते हुए आएंगे, मन तो रहेगा बात करने का, और खास करके अगर किसी मामी लोग का रहे मन पक्का रहेगा बात करने का, लेकिन ऐसे दिखाते हुए आएंगे कि जैसे मेरा कहीं कोई इंटरेस्ट, और कहीं फिर आप बात करते हुए फिर सुन लीजिए तो फिर तो क्या बात है,
क्या मस्त अंदाज में क्या हो रहा है, क्योंकि उनका मजाक का रिश्ता हो गया, मतलब पापा और मेरे अगर मामी हुए और मेरे पापा तो उनका मजाक का ही रिश्ता होता है ना। हाँ, तो जो भी रहे तो वो बात सुनते रहिए। आप कहिएगा सर आप सारी बात सुनते थे, आदतवश जो चीज मुझसे छिपाया जाता था ना, पता नहीं मुझे वो बड़ा मजा आता था सुनने में। अगर कोई चिट्ठी दे दे और बोलता था खोलना मत और ये मेरे बच्चे को दे देना, यकीन मानिए मम्मा से बिछड़ने का भी अभी गम नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे लगा जल्दी से जाएंगे ट्रेन में और क्या करेंगे, पहले वो जो है वो क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो पता नहीं ऐसा दिमाग होता है, खुराफात वाला आ जाता है तो आ जाता है। तो अब देखिए धीरे धीरे एडवांसमेंट आया, हम थोड़े और जो है वो एडवांस में, और एडवांस में तो क्या किया, हमने कहा कि अभी भी सेटलमेंट में एक सप्ताह लगता है, कितना सप्ताह, लेकिन जो है वो हम थोड़ा सा इंप्रूव क्या कर गए कि हमने कहा कि पहले वीक में जो है वो हम जो है वो ऑर्डर सारा का सारा क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि बाय ऑर्डर भी ले रहे हैं और क्या ले रहे हैं। और इसी वीक में जो हमने पिछले वीक में ऑर्डर लिया था उस ऑर्डर को क्या कर रहे हैं, सेटल भी कर रहे हैं, यानी कि जिस लोगों ने इस सप्ताह में जो है वो ऑर्डर प्लेस किया है उनका सेटलमेंट कब होगा, नेक्स्ट वीक में, यानी कि सेकेंड वीक में इनका सेटलमेंट होगा। लेकिन सेकेंड वीक में जो लोग बाय और सेल करने के लिए आए हैं उनके लिए दुकान बंद नहीं रहेगी, ऑफिस बंद नहीं रहेगी, बल्कि वो भी क्या कर सकते हैं, वो भी जो है वो ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, कौन सा, बाय ऑर्डर या सेल ऑर्डर वो प्लेस कर सकते हैं। लेकिन पहले वीक में जिन लोगों ने ऑर्डर किया था उसका हम क्या कर रहे हैं, सेटलमेंट, यानी जिसने खरीदा था उसको अभी भी एक ही सप्ताह में शेयर मिलेंगे और एक ही सप्ताह में क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। लेकिन एडवांसमेंट क्या आया, अगर आप यहां से मिस कर गए तो अब तीसरे सप्ताह में ही आप शेयर क्या कर पाएंगे, ऑर्डर कर पाएंगे, यानी पहले वीक में ऑर्डर नहीं कर पाए तो दूसरे वीक में अब ऑर्डर आप नहीं कर पाएंगे, अब आपका ऑर्डर ही कब होगा, थर्ड वीक में, और आएगा कब आपके पास, इसका मतलब अगर यहां पे चूक गए तो अब एक महीने बाद आपके पास शेयर आएंगे। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं था, अगर आप यहां पे चूक गए कोई बात नहीं है, फिर आप इस वीक में क्या यहां पे ऑर्डर प्लेस कीजिए और इसका सेटलमेंट क्या होगा, नेक्स्ट होगा अगले ही वीक में, मिलेगा एक सप्ताह में ही, लेकिन आपको जो है वो एक साथ ट्रेड करने का भी राइट मिल रहा है, यानी कि ऑर्डर भी प्लेस करने का और क्या करने का। फिर आपको याद दिला रहा हूं, इस सप्ताह जो ऑर्डर प्लेस किया वो इस सप्ताह सेटल नहीं हो रहा है, वो कब हो रहा है, अभी भी नेक्स्ट वीक ही हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा एडवांसमेंट क्या कर गए, वो आपका जो है वो इस वीक में ऑर्डर भी प्लेस हो रहा है और पिछले वीक वाला ऑर्डर जो प्लेस है उसका क्या हो रहा है, सेट, थोड़ा तो एडवांसमेंट हुआ। पहले सारे लोग फोन के पास पहुंचते थे, उसके बाद कॉर्डलेस का जमाना आया, और कॉर्डलेस का जमाना आया तो क्या हुआ कि बस कुछ दूरी तक जाकर के क्या कर देते थे, फोन पकड़ा देते थे कि लीजिए क्या कीजिए, बात कीजिए। तो देखिए कॉर्डलेस जो है वो कॉर्ड वाले का एडवांस वर्जन था या नहीं था, लेकिन इसका मतलब क्या है कि आप रास्ते चलते हुए बात कर लीजिएगा, नहीं, थोड़ा सा जो है वो जो भी है एक रेंज जो है वो घर का 10 मीटर और 20 मीटर डिपेंड करता है कितना स्ट्रांग आपका क्या है कॉर्डलेस है। तो देखिए ऐसे ही जब सिचुएशन आया तो इसको बोला गया रोलिंग सेटलमेंट। क्या बोला गया, किस सेटलमेंट को रोलिंग सेटलमेंट बोला गया, कि व्हेन वी स्टार्टेड ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट एट द सेम टाइम, तो उसको हमने क्या बोला, रोलिंग सेटलमेंट। रोलिंग सेटलमेंट इसलिए बोला कि वो रोल कर रहा है, इसी वीक में जो है वो आपका ट्रेडिंग भी एक तरफ है और दूसरी तरफ पिछले वाले का क्या हो रहा है, सेटलमेंट। लेकिन ये जो था ये आपका नॉर्मल सेटलमेंट था, जहां पे एक पूरा का पूरा वीक किस चीज के लिए, ट्रेडिंग के लिए, और नेक्स्ट वीक फॉर ऑल द ट्रेड सेटलमेंट फॉर ऑल द ट्रेड मेड इन प्रीवियस वीक या लास्ट वीक हुआ है। फिर हम उससे किस दुनिया में पहुंचे, रोलिंग सेटलमेंट में, वेयर साइमल्टेनियसली ऑर्डर्स आर बीइंग प्लेस्ड एज वेल एज सेटलमेंट आर कंडक्टेड फॉर द ट्रेड एग्जीक्यूटेड लास्ट वीक। तो इसी को हमने क्या बोला, रोलिंग सेटलमेंट। तो देखिए जब हम रोलिंग सेटलमेंट के दुनिया में आए तो भी सेटलमेंट कितने दिन में हो रहा था, तो भी एक हफ्ते में, यानी हमने खरीदने का ऑर्डर चाहे पहले लगाया था या रोलिंग सेटलमेंट के जमाना में लगाया, हमारे पास शेयर्स एक सप्ताह में ही आते थे, या अगर हमने बेचा तो कितना दिन लग जाता था, एक सप्ताह। लेकिन अंतर आपने देखा कौन सा हो गया, फिर जो है जब रोलिंग सेटलमेंट आ गया तो अब एडवांस और होता गया चीज, कहा गया कि अब रोलिंग सेटलमेंट हो गया तो अब क्या एडवांस होगा, कहा कि जब से रोलिंग सेटलमेंट आया है तब से हमने कहना शुरू कर दिया टी वाला कॉन्सेप्ट। तो जब रोलिंग सेटलमेंट आया तो शुरू में जो सेटलमेंट होता था वो टी प्लस कितने दिन में, 7 डेज में।
टी का मतलब हो गया डे ऑफ ट्रेड, जिस दिन आपने ट्रेड किया, एंड नेक्स्ट सेवन डेज इज फॉर व्हाट, नेक्स्ट सेवन डेज इज फॉर सेटलमेंट का, ठीक है, एडवांसमेंट हुआ। हम जो है वो टी प्लस सेवन से कहां पे पहुंचे, टी प्लस फाइव। अब देखिए कम होता चला गया, सेम समय पे आज आपको ऑर्डर प्लेस करना कीजिए, साथ में आज किसी न किसी का क्या हो रहा है, सेटलमेंट कार्यक्रम भी चल रहा है, तो अब जो है वो टी प्लस फाइव पे पहुंच गया। अगर आज आपने ट्रेड किया तो अगले कितने दिन में, पांच दिन में या तो शेयर्स आपके पास आ जाएंगे या क्या, पैसे आपके पास आ जाएंगे। फिर और हम एडवांस में, तो कहां पहुंचे, और एडवांस में कहां पहुंचे, टी प्लस टू, और इस समय हम टी प्लस वन को ऑफिशियली अनाउंस करने ही वाले हैं। यानी कि करने वाले का मतलब यह है कि आज के डेट में अगर हम बोले तो हम टी प्लस टू पे हैं, लेकिन हमारे जो सेटलमेंट हो रहे हैं बिना बताए हुए, आज खरीदा तो अगले दिन तक में क्या हो जाता है, सेटलमेंट हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप बैंक में चेक जमा करते हैं, तो आप सुनते होंगे कि बैंक आपको कहता है कि थ्री वर्किंग डेज में हम क्लियर कर देंगे, लेकिन आप देखिएगा कभी कभी दो दिन मैक्सिमम हो गया, कभी कभी तो सेम डे भी चेक क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। लेकिन वो टी अभी भी कह रहे हैं थ्री वर्किंग डेज, जिस दिन 100% वो देख लेंगे कि एक्सेप्शन में भी जो है वो कभी थ्री को क्रॉस, टू को क्रॉस नहीं कर रहा है, तब वो आपको बोलना शुरू कर देंगे कितने दिन में, टू वर्किंग डेज में। पहले आपको पता है क्या बोलते थे वो डंके की चोट पे, 30 डेज में, और हमने वो समय देखा हुआ है, वो जमाना देखा हुआ है। उस समय जो है जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो पापा जो चेक देते थे वो चेक एक महीने पहले का जो है वो लगाते थे हम लोग। जैसे अगर मान लीजिए कि तनख्वाह सैलरी था जो पापा से मिलता था, तो वो जो सैलरी पापा से मिलता था, तो अगर जुलाई वाला है तो हम लोग को पापा बोले हुए रहते थे कि 1 जून को क्या कर देना है, अपने बैंक में ये चेक लगा देना है। क्यों लगा देना है, क्योंकि उसको जो है वो आने में कितना लगेगा, 1 जुलाई, तो उससे हमारा जुलाई का खर्चा चलेगा, और ये वाला हमने एक महीने पहले क्या किया था, लगाया था। तो वो बोलते ही थे 30 डेज में ऑटेस्टेशन चेक जो है वो क्या होंगे, क्लियर। आज के डेट में ऑटेस्टेशन है, चाहे इन स्टेशन है, चाहे हिल स्टेशन है, चाहे कुछ भी है, 3 डेज क्या हो गए, सारे के सारे चेक क्या हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। अब ऐसे ही कल के डेट में और जल्दी भी होगा, क्योंकि आप अभी भी देखिएगा अगर सेम बैंक का है तब तो मान के चलिए आज इवनिंग तक जो है वो क्या हो जाएगा, वो आपके अकाउंट में आना ही रहेगा। और अगर कुछ कुछ प्राइवेट बैंक तो इतने इफिशियंट होते हैं, विद इन 2-3 आवर्स जो है वो पैसा आपके अकाउंट में क्या आ जाता है, अगर आपका प्रिवी अकाउंट वगैरह है या स्पेशलाइज्ड अकाउंट है तो 3 से 4 घंटे होते होते, और अगर उसी बैंक का है तब तो जो है वो प्राइवेट बैंक में, कोटक वगैरह में, ICICICI में, और अगर आपका वहां पे प्रिविलेज अकाउंट वगैरह है, 1.5 से 2 घंटे में चेक भी क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। तो इसका मतलब है क्या वो बोलने लगे हैं कि 1.5 घंटे में, नहीं, वो आपको अभी भी क्या बोल रहे हैं, 3 वर्किंग डेज में, कल को वो कम करेंगे। तो हम कहां पहुंचने वाले हैं, टी प्लस वन पे। यूएसए वगैरह में ऑफिशियल अनाउंसमेंट है टी प्लस वन का, सेम डे का वहां भी नहीं है, वहां भी टी का नहीं है, टी प्लस जीरो का कॉन्सेप्ट नहीं है, कहीं भी है तो टी प्लस किसका है, वन का, क्योंकि कोई भी सेफ साइड चलना चाहता है। रीजन ये है कि सब जगह जो ऑथोरिटी है वो बहुत हैवी फाइन पेनल्टी लगाते हैं। अगर बैंक ने बोला 3 वर्किंग डेज और गलती से वो 4 हो गया तो आप आरबीआई में जो अंबुड्समैन ने जाकर के केस फाइल कर सकते हैं, आपको कंपनसेशन मिलेगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में देखिएगा, पढ़ाऊंगा, बैंक भी जो है वो इस कैटेगरी में आता है, और आप बैंक में आपका अकाउंट है तो आप कंज्यूमर के कैटेगरी में है, बैंक ने आपको समय पे चेक नहीं दिया, समय पे चेक क्लियर नहीं हुआ, बिंदास आप केस फाइल कर सकते हैं। तो यहां पे हम टी प्लस टू की बात करें, यानी कि आज अगर ट्रेड हुआ तो कितने दिन में सेटलमेंट हो जाएगा, 2 दिनों में। लेकिन अभी जो सेटलमेंट हो रहा है ये रोलिंग सेटलमेंट है या नॉर्मल सेटलमेंट है, और रोलिंग सेटलमेंट में बहुत पहले आ गए थे, जब रोलिंग सेटलमेंट में इन किए थे तो सेटलमेंट कितने दिन में होता था, टी प्लस 7 डेज से शुरुआत हुई थी। तो आज के डेट में आपका जो ट्रेड होता है वो आप देखते ही हैं कि ऑनलाइन कितने बार मैंने दिखाया है, खड़े खड़े आपको खरीदना है खरीदिए, बेचना है बेचिए, आप ऑर्डर प्लेस कर दीजिए, आपके जो है वो अकाउंट में शेयर्स क्या हो जाएंगे। लेकिन ये डीमैट अकाउंट की बात कर रहा हूं, ट्रेडिंग अकाउंट में तो इंस्टेंटली आ जाता है, जिस इंस्टेंट पे आप क्लिक करेंगे उसी इंस्टेंट पे ट्रेडिंग अकाउंट में दिखने लगता है। लेकिन जो है वो डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट होने में कितना, डीमैट अकाउंट में जो है वो टी प्लस 2 डेज, मैंने बोला टी प्लस 2 मैक्सिमम डेज है, हो सकता है टी प्लस 1 में क्या हो, दिखने लगे। अगर आपने उसका पूरा पेमेंट कर दिया तो, अगर आपने बोला कि आपने लिया ही है किस चीज के लिए,
ट्रेड के लिए। याद रखिएगा, कुछ बच्चों को ऐसा कंफ्यूजन होता है या जो बच्चे थोड़ा बहुत ट्रेड करते हैं उनको लगता है कि नहीं सर हम तो खरीदते हैं, तो वो तो बोलता है कि दो दिन तक कभी भी बेच देना। तो वो इसीलिए बोलता है क्योंकि वो अपने मार्जिन से आपको क्या करा रहा होता है, ट्रेड करा रहा होता है। आइडियली 3:30 तक आपको पोजीशन क्लियर करना है, 3:30 के बाद वो ठिकाना नहीं है। लेकिन ब्रोकर के पास राइट होता है दो दिन तक, जब तक वो अकाउंट टू अकाउंट ना चला जाए तब तक वो उसको क्या कर सकता है, मैनेज कर सकता है। सेबी ने उसको ये करने के लिए बोला हुआ है कि अपने मार्जिन पे कर सकते। मतलब क्या हुआ वो सुनिए। अगर जो है मैंने बोला कि कोई सामान जो है वो आप सारे लोग खरीद रहे हैं, जिन लोगों ने सामान खरीदा है सबका सामान जो है वो परसों उन तक उनके घर पहुंच जाएगा। तो बहुत सारे लोगों ने खरीदा, बहुत सारे लोगों ने बेचा है, मैंने सबका रख लिया, मेरे ही पास रह रहा है। मुझे की बताइए सामान मुझे आपके घर कब पहुंचाना है, दो दिन है मेरे पास। तो उस बीच में अगर मान लीजिए कि कोई और आ गया, बोला कि ये तो परसों जाएगा ना, मैं आज ले जाता हूं, मैं कल दे दूंगा आपको, अगर मैंने उसको दे दिया तो आपको कुछ पता चलना है, आपके सेटलमेंट पे कोई फर्क पड़ेगा? आपके सेटलमेंट पे और कियोस्क तब क्रिएट होगा जब दूसरे दिन आप तक सामान नहीं पहुंचेगा, तब आप चौड़े होकर के आइएगा और तब आप कहिएगा। तो एक बार चेक कीजिए, क्लास वगैरह जा रही है ना, मुझे स्क्रीन कुछ और दिख रहा है, जा रही है, हाँ ठीक है, ओके ठीक है, थैंक यू, फाइन। अब जो है वो कह रहे थे, क्योंकि मुझे लगा कि आप लोगों का क्या भरोसा, कहीं ऐसा बद्दुआ मारे हो कि बहुत आज बोल रहे थे ना कि दवा खा के आए हो तो ये लो अब तू देख कि क्या हमने जादू किया है। तो कह रहे हैं यहां पे कि जो भी आपका जो है वो ट्रेड और जो भी आपका क्या होगा सेटलमेंट होगा, कहा कि इसमें अगर हमने कहा कि ये T+2 days में हो रहा है, तो उस दिन तक अगर मैंने कहीं कोई चीज रख भी दिया तो आपके बीच में कैओस कब क्रिएट होगा, जब दूसरे दिन आपके पास नहीं पहुंचेगा, तब ना चिल्लम चिल्ली कीजिए कि मेरा सामान कहां गया, अभी तो आपका राइट ही नहीं है, तो उस दिन क्यों आप मुझसे कुछ पूछिएगा। तो ये जो बीच का काम होता है ये ब्रोकर के जरिए हो जाता है। लेकिन सेबी ने कहा सिंस यू आर टेकिंग इट एट योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, और किस अकाउंट के जरिए कर रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए कर रहे हैं, इसीलिए वो करने दे रहे, हवा हवा में करते तो उनको भी करने नहीं देते। और इसीलिए बोला कि लेकिन इसका कंट्रोल आप किसको नहीं देंगे, आप इसका कंट्रोल जो है वो अपने जो है वो अकाउंट होल्डर को नहीं देंगे, क्योंकि पता चला कि मैंने जो है वो क्या किया, मैंने जो है अगर मैं ब्रोकर हूं, मैंने जो है वो ट्रेड किया और उसको कंट्रोल भी दे दिया, तो वो बंदा अगर कल के डेट में मुझे नहीं देगा तब मैं क्या करूंगा, या नहीं बेचेगा तो फिर मैं उसको कैसे फोर्स करूंगा। तो इसीलिए उन्होंने बोला कंट्रोल किसके पास रखिए, अपने पास रखिए। तो इसीलिए इस दो दिन के चीज को अगर कहीं आप कुछ ट्रेड करने लगेगा तब ये कंफ्यूजन आएगा, उन चीजों में नहीं है तो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं आएगा, बिल्कुल सीधा सीधा चलिएगा। तो अगर कहीं आप सुनते हैं कि सर लेकिन वो दो दिन में तो बोलता है कि आज नहीं कल भी दे दोगे तो चलेगा, तो वो कैसे काम कर रहा है, क्योंकि उसके पास बड़े सारे ऑर्डर हैं, तो उनको सारे ऑर्डर जो है वो दो दिन में सेटल करने हैं, और अभी वो कहीं पे पड़ा हुआ है तो उस जगह से वो क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। मेरे पास सामान आया दो दिन में मुझे कहीं पहुंचाना है, आज अगर मैं किसी और को भी वो सामान दे दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, बसरते जिसको दे रहा हूं वो इतने भरोसे का आदमी है जो कह रहा है कि आप निश्चिंत रहो आपको परसों देना है ना, तो मैं आज ले जा रहा हूं, कल किसी न किसी शर्त पे आपके पास क्या करूंगा, ला करके दे दूंगा, समय से पहले ला करके दे दूंगा। चलिए, तो रोलिंग सेटलमेंट के समय में हम पहुंचे। लेकिन अब एक खास बात, और वो ये है कि अगर हम शेयर खरीदते हैं तो शेयर्स हम तक पहुंचता कैसे है, और अगर हम बेचते हैं तो वैसे केस में जो है हमारे पास पैसा पहुंचता कैसे है, ये फेनोमेना जो है वो कैसे होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, इसका एक चेन एक आस्पेक्ट थोड़ा सा हमारे किससे जुड़ा हुआ है, डिपोजिटरी सिस्टम से, जहां हमने ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा था। तो देखिए सबसे पहला काम, हम सेटलमेंट अभी पढ़ रहे हैं और इसी सेटलमेंट को करने के लिए एक खास बॉडी है जिसका नाम क्लियरिंग कॉरपोरेशन या क्लियरिंग इनकॉरपोरेशन है। इसी का ओल्ड नेम क्या हुआ करता था जरा बताइए तो, कब इसका नाम क्लियरिंग हाउस हुआ करता था, जोर से बोलिए, नहीं आई आवाज, सिर्फ लिप मूवमेंट पता चला, कुछ लगाइए दिमाग तो आप समझ जाएंगे। जब नहीं, जब थोड़ा और सोचिए,
और मैंने बोला भी था आपको, आप लोगों को, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा, हम क्लियरिंग जब कॉरपोरेशन पढ़ने लगेंगे तो उस समय कुछ इससे रिलेटेड आपसे बात करूंगा, और ये दो चीज से कॉरिलेट किया था अभी तो पहले। हाँ बिल्कुल सही, एकदम आपको मिलते पूरे 1,00,000 रुपए मिलते हैं, कितना 1,00,000 रुपए आप उसका पार्टी दीजिएगा, भूलिएगा मत, आप पार्टी दीजिए, पैसे कहीं जा रहे हैं थोड़ो। तो अब देखिए, ये हमने बात की थी किस समय, जब स्कैम हुआ था तो हमने इनकॉर्पोरेटाइजेशन किया था, जब हमने इनकॉर्पोरेटाइजेशन किया तो सबका सारे के सारे जो भी इससे जुड़े हुए चीज थे वो क्या होते गए, इनकॉर्पोरेटाइज होते चले गए, और ये भी जिसका नाम क्या था, क्लियरिंग हाउस, उसका नाम क्या हो गया, क्लियरिंग। ये वैसा सेगमेंट है, ये वो विंग है स्टॉक एक्सचेंज का जो किसको परफॉर्म करता है, सेटलमेंट को, यानी कि सेटलमेंट को परफॉर्म करने के लिए आप तो ट्रेड्स स्टॉक एक्सचेंज में ही करते हैं ना, खरीदते बेचते कहां पे है, स्टॉक एक्सचेंज सेकेंडरी मार्केट ही तो बोलते हैं। तो कहा कि सेकेंडरी मार्केट का वो सेगमेंट, स्टॉक एक्सचेंज का वो सेगमेंट जो सेटलमेंट का काम करता है, यानी जिसने खरीदा उस तक शेयर पहुंचे, जिसने बेचा उस तक क्या पहुंचे, उस विंग का नाम क्या है, क्लियरिंग कॉरपोरेशन। इसका काम ही यही है, इसने इसी चीज का लाइसेंस लिया है टू वर्क एज क्लियरिंग कॉरपोरेशन फ्रॉम किससे, सेबी से, और इसी बात के तो इसको पैसे कौन देता है, स्टॉक एक्सचेंज। तभी स्टॉक एक्सचेंज में आप हम हमारी कंपनी लिस्ट हो रही है, लेकिन वहां जो ट्रेडिंग का काम होता है उसका सेटलमेंट के लिए हर स्टॉक एक्सचेंज किससे जुड़ा हुआ रहेगा, क्लियरिंग कॉरपोरेशन से जुड़ा रहेगा। लेकिन वो कैसे करता है, करेंगे बात अभी देखेंगे, लेकिन उससे पहले जरा बताइए, ये क्लियरिंग कॉरपोरेशन के बारे में हमने पहले भी कहीं चीज जो है वो बोलना नहीं है, पहले भी कहीं पढ़ा है, और मैंने आपको कहा था कि एक समय आएगा जब मैं आपसे पूछूंगा और उस दिन आपको इसका पूरा काम बताऊंगा, क्योंकि जब मैं आपको वो चैप्टर पढ़ा रहा था तो बहुत थोड़ा सा बताया था, और बोला भी था अभी बहुत ज्यादा बताऊंगा तो आप नहीं समझ पाइएगा, अब आपको वो सारा चीज बताऊंगा। इधर से चलिए, इधर से कम लोग हैं, इधर वाली टीम हार रही है, इधर वाली टीम जीत रही है। चलिए पहले पहले रोहित, एलिजिबिलिटी ऑफ एक, और एक जगह मनमीत, एक ही जगह था, एक तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ होम, वहां सबको ध्यान आ रहा है, एक स्टॉक एक्सचेंज में नहीं, किसी और जगह पढ़ाया था, लेकिन सीएमएसएल में ही पढ़ाया था, क्योंकि आजकल तो चलिए डिपॉजिटरी सिस्टम के अलावा वो चैप्टर था। कितने चैप्टर पढ़ाया है, हाँ और क्या पढ़ाया है, हाँ इंटरमीडियरीज में भी जिक्र हुआ था क्लियरिंग कॉरपोरेशन का, कुछ ध्यान आ रहा है कि जो भी आपके लिए क्या करे, बीच में काम करे, वो सब क्या कहलाया, इंटरमीडियरीज। तो वहां पे भी हमने देखा था। अब देखिए इसके डिटेल में इसको समझते हैं, ये कैसे काम करता है। पहला स्टेप एकदम ध्यान से समझिएगा, पहला स्टेप, अगर किसी को शेयर खरीदना रहता है तो वो कैसे खरीदेगा, सेकेंडरी मार्केट की बात कर रहा हूं, जल्दी जल्दी बोलिएगा वरना फिर नहीं पढ़ाऊंगा ऐसे, फिर मैं भी तब लिख करके दूंगा, लाया हुआ हूं दे दूंगा। सबसे पहले आपके पास कौन सा अकाउंट होना चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट में आप तभी डील कर पाएंगे जब तक आपका ब्रोकर के पास अकाउंट नहीं होगा। आप शेयर्स में डील सेकेंडरी मार्केट में क्यों नहीं कर सकते, उसके पीछे रीजन है, शेयर्स कहां लिस्ट होते हैं और स्टॉक एक्सचेंज में ही डिस्प्ले होता है, वहां पर ही ट्रेड होता है, और जो स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर होगा जिसको ब्रोकर कहते हैं, अगर उस स्टॉक एक्सचेंज का वो ब्रोकर है तभी आप उसके पास से उन कंपनीज के शेयर्स को देख सकते हैं जो उस स्टॉक एक्सचेंज में क्या है, लिस्टेड है, और उसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो आपने जो है वो ब्रोकर के पास ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लिया, ऐसे ही आपने किया और भी करोड़ों लोगों ने किया,
आपको क्या पता है कि आप जिस शेयर्स को बेच रहे हैं वो किसको बेच रहे हैं, या आप जिस शेयर्स को खरीद रहे हैं वो किससे खरीद रहे हैं? मैं बात कर रहा हूं जब आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में काम करें, सर्टिफिकेट में नहीं, तब तो पता ही चलेगा कि मैं बेच रहा हूं, तो उनको नहीं पता चलेगा मैं बेच रहा हूं और वो मुझसे खरीद रहे हैं, और नहीं पता चले ये तो या तो वो मंजुलिका है या मैं मंजुलिका हूं। तो जब हम फिजिकल फॉर्म में तब की बात में नहीं, मैं कह रहा हूं कि ऑनलाइन अगर मैं खरीद और बेच रहा हूं तो कहते हैं एक दूसरे को पता नहीं चलेगा। और ये पता नहीं चलना जो है वो डेवलपमेंट का पार्ट है या हमारा इनइफिशियंसी का पार्ट है? डेवलपमेंट का पार्ट है, हमने वो टेक्नोलॉजी, हमने वो जो है वो सारा का सारा कुछ सही, इसलिए मैंने बोला आईटी एक्ट जब अब आप पढ़ेंगे ना आईटी एक्ट, इसीलिए ये सब चैप्टर बहुत बाद में पढ़ाते हैं आप लोगों को जीआईजीएल वगैरह में, क्योंकि तब तक कुछ चीज अगर एग्जाम्पल देने के लिए रहता है ना तो कोरिलेट करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है कि क्यों जरूरत पड़ी आईटी एक्ट की, पहले दिन ही पढ़ाओ क्या करेंगे इसका। अब कंपनी लॉ भी थोड़ा पढ़े, बताऊंगा डिजिटल सिग्नेचर का काम है, ये है, फ्रॉड होगा कैसे रोकेंगे, एक्ट चाहिए। अब जरा देखिए इतने तरह के चीज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम काम कर रहे हैं, तो कहा गया कि अगर कोई भी बंदा जो है वो ट्रेड करना चाहता है तो उसके पास कौन सा अकाउंट होना चाहिए, और ये ट्रेडिंग अकाउंट किसके पास होगा? ब्रोकर के पास होगा। ब्रोकर के पास आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट के कितने सेगमेंट, कौन कौन सा? ठीक है, अगर हमारे कैश अकाउंट में पैसा रहेगा तभी हम क्या कर पाएंगे, ठीक है। तो अब जिनके जितने भी लोग हैं वो सबका अपना अपना अकाउंट है, और हमने जो है वो एडवांसमेंट के तौर पे किया कि सर्कुलर ट्रेडिंग को रोकने के लिए, जो एक स्कैम हुआ था, किसने किया था? केतन पारेख ने। तो वो सर्कुलर ट्रेडिंग का स्कैम था जिसमें मैंने कहा था कि सर्कुलर सर्कल में ले जाओ, मैंने इनको बेचा और अपने ही पैसे से बोला इनको खरीदने, फिर इनका इनको बोल रहा हूं खरीदने, और ऐसे कर करके 100 रुपए के चीज को 150 कर लिया, जो मैंने एग्जांपल दिया था कि लास्ट जितने पे सेल हुआ वही उस चीज का क्या हो गया, दाम हो गया। जो अगला बंदा आएगा वो देख रहा है इसी प्राइस पे मिल रहा है तो वो भी उसी प्राइस पे लेगा। तो यहां पे जो है वो हमने आपने ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लिया, ट्रेडिंग अकाउंट के कैश अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट के कितने पार्ट, कैश अकाउंट, और अगर ट्रेडिंग अकाउंट के कैश अकाउंट में हमारे पैसे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, शेयर खरीद सकते हैं। चलिए एक पर्सन जो है वो पर्सन जो है वो है मिस्टर ए, जो कहां रहता है, ये दिल्ली में रहता है, कोई पर्सन है हमें नहीं पता वो पर्सन कहां है, उसका भी जो है वो अकाउंट है ट्रेडिंग अकाउंट, लेकिन वो जो है वो बंदा मिस्टर बी है, कहां रहता है, और ऐसा भी हो सकता है दिल्ली में अगल बगल आपके बगल में ही बैठा हो तो भी आपको नहीं पता चलना है कि इसी का शेयर आपके पास आया हुआ है। इनका जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट, मिस्टर ए का भी ट्रेडिंग अकाउंट है और मिस्टर बी का भी। मिस्टर ए ने जो है वो शेयर खरीदने के लिए ऑर्डर लगाया और इनको जो है वो इंफोसिस के शेयर खरीदने थे, 1000 शेयर खरीदने थे 100 रुपए वाले, कितने, इंफोसिस के 1000 शेयर खरीदने थे कितने रुपए वाले, 100 रुपए वाले। तो 100,000 रुपया इनके जो है वो कहां पे, मार्जिन को इग्नोर कीजिए, 100,000 रुपया कहां पे, कैश अकाउंट में। तो ठीक है, तब इनके पास क्या आएगा, शेयर्स, जो कि कहां जाएगा, शेयर्स अकाउंट में, यहां आना चाहिए इंफोसिस का शेयर। ठीक वैसे ही जो है वो बंदा ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट हुआ होगा, ए ने जो है वो शेयर खरीदने का ऑर्डर लगाया होगा 100 रुपए में, और बी ने कितने का लगाया होगा, बेचने का कितने रुपए में, और अगर दोनों का 100-100 मैच किया, हो सकता है कोई पहले 120 लगाए हो बेचने के लिए, कोई ग्राहक नहीं मिला तो 120 को बदल करके कितने किए होंगे, जो कि आप एन नंबर ऑफ टाइम्स चेंज कर सकते हैं। जब तक ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है तब तक आप अपने ऑर्डर को जितने भी बार मर्जी उतने बार क्या कर सकते हैं, प्राइस देखते रहिए, और 120, 102, 103, फिर 100, मतलब 100 के ही आसपास चल रहा है, घट करके 100 हो गया। अब आप कहते हैं 120 में कोई जो है वो खरीदने वाला नहीं आएगा, 100 में बेचो, नहीं तो फिर पता चला 103 से 102 हुआ, 101 हुआ, अब 100 पे चल, कहीं ऐसा ना 99 पे आ जाए। अपना बी ने जो है वो ऑर्डर चेंज किया, 100 पे दोनों के प्राइस मैच हुए, एग्जीक्यूट हो गया। एग्जीक्यूट होने का मतलब हुआ कि क्या फेनोमेना होगा, बिजली, बारिश, बरसात, स्लो मोशन में हीरोइन का दुपट्टा उड़ेगा, क्या होगा, तो बताइए मिस्टर ए के अकाउंट से क्या होगा, डेबिट होना चाहिए, ठीक है, और जो है वो मिस्टर बी के अकाउंट से क्या डेबिट होना चाहिए, इंफोसिस का शेयर बेच रहा है ना, तो उसके अकाउंट से जो है वो डेबिट क्या होना चाहिए, शेयर्स। और क्या होना चाहिए, अगला फेनोमिना, ट्रेडिंग अकाउंट में
कि किस सेगमेंट में, ए के शेयर्स अकाउंट में इंफोसिस के कितने शेयर आने चाहिए और बी के जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट के कैश अकाउंट में कितने, 1,00,000 रुपए आने चाहिए, यही होगा। अब यही सेटलमेंट आपको करना है। ट्रेड तो एग्जीक्यूट हो गया है, जैसे ही ट्रेड एग्जीक्यूट होगा देखिए क्या होगा। अब हमारे जो सेटलमेंट सिस्टम है जिसका नाम क्लियरिंग इनकॉर्पोरेशन है या क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है, इसके दो विंग होते हैं। एक का नाम है पे इन अकाउंट और एक का नाम क्या है, याद रखिए, मैंने ये सब नाम नहीं रखा, आपको भी लगता होगा, नहीं तो मैं इना अकाउंट मीना अकाउंट रखता। तो इनके नाम क्या है, पे इन अकाउंट और पे आउट अकाउंट है नाम है। कहा कि पे इन अकाउंट का क्या सेंस है, कहा कि पहले है जो हम वसूली कर करके लाएंगे ना वो रखेंगे पे इन में, कहां पे रखेंगे, इन जो आ रहा है। तो क्या क्या आएगा, दो ही चीज, डिफरेंट सिक्योरिटीज और कैश, या इसमें बोलेंगे डिफरेंट कैश नहीं, पैसे आएंगे और अलग अलग तरह के क्या आएंगे, इसीलिए क्योंकि कोई इंफोसिस का शेयर बेचेगा खरीदेगा, कोई जो है वो SBI के शेयर्स में ट्रेड करेगा, कोई जो है वो TCS के शेयर में करेगा, अलग अलग कंपनी के शेयर्स में ट्रेड करेगा। तो कहा कि पे इन अकाउंट जो है वो किसका पार्ट है, कहा कि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के दो पार्ट है, एक का नाम पे इन अकाउंट और एक का नाम क्या है, क्योंकि क्लियरिंग इनकॉर्पोरेशन को, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को क्लियरेंस करना है, यानी कि जिसने शेयर खरीदा उस तक शेयर पहुंचाओ, जिसने शेयर बेचा उस तक क्या करो, पैसे पहुंचाओ। ना कोई पैसा आपके पास बचना चाहिए ना कोई शेयर बचना चाहिए, अगर दोनों में से कुछ भी बच गया इसका मतलब आपके सेटलमेंट सिस्टम में कहीं ना कहीं क्या है, फ्लॉ है, कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि ना पैसा आपका था ना शेयर आपका था, तो आपके पास कोई चीज बच कैसे गया। तो इन्होंने क्या किया, दो अकाउंट किया, एक पे इन अकाउंट की लेकर के सारा चीज रखेंगे कहां पे, पे इन अकाउंट में रखेंगे और देंगे कहां से, और बाय दिस मैनर उनको लगा चीज आसानी सी होगी। तो उन्होंने पे इन अकाउंट में दो अकाउंट बनाए, क्योंकि उन्हें वसूल करके क्या लाना है, दो चीजें, कौन कौन सा चीज, शेयर्स और पैसे। जरा देखिए इसी सिचुएशन में, यहां जो हमने इसका नाम दिया पे इन कैश अकाउंट और पे इन क्या दिया, शेयर्स अकाउंट। तो मुझे बताइए पे इन कैश अकाउंट में किससे पैसे वसूल करके लाएंगे, हर वो शख्स जिसने कंपनी के शेयर्स को जो है वो क्या किया है, खरीदा है, खरीदने का जो ऑर्डर दिया है उन सारे लोगों से क्या लेकर के आएंगे और यहां पे रखेंगे कहां पे, पे इन कैश अकाउंट में, ठीक है। और पे इन शेयर अकाउंट में क्या लाएंगे, किनसे लेंगे, हर वो शख्स जिसने शेयर बेचने का क्या किया है। तो हमारे केस में ए शेयर खरीद रहा है या बेच रहा है और बी, तो मुझे बताइए ए अगर खरीद रहा है तो ए से क्या वसूले, का देने वाला काम बाद में करेंगे, क्या उनको देना, पहले वसूल तो लो, यानी आपको ज्ञान देंगे पहले पैसे तो ले लें। तो इन्होंने क्या बोला कि क्या लेंगे पहले इनसे, तो जो लेना है वो पहले ले रहे हैं, तो ए से क्या लेंगे और लेकर के कहां रखेंगे। तो देखिए जरा इनका ये जो है अकाउंट डेबिट हुआ और देखिए इनके पास से जो है वो 1,00,000 रुपया कहां चला गया। तो क्या ये एक ही आदमी होगा जिससे ऐसे पैसे आएंगे, किसी से 50,000 होगा, किसी से 10,00,000 आ रहा होगा, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, सब लेकर के कहां रख लिया, ठीक है। अब इस समय मिस्टर बी ने क्या बेचा, तो शेयर्स का वसूली किससे करेंगे, हर वो सेलर से जिसने शेयर्स बेचने का ऑर्डर लगाया है। तो यहां से इनका जो है वो देखिए डेबिट हो गया इंफोसिस का शेयर और देखिए ये कहां चला गया, एरो देखिए ये आपका जो ऑरेंज वाला है कहां पहुंचा, पे इन। अब इस तरह से इनका पे इन कैश में ढेर सारा पैसा रहेगा और पे इन जो है वो शेयर्स अकाउंट में ढेर सारा क्या रहेगा, एक कंपनी का या अलग अलग कंपनी का, अलग अलग कंपनी का, वो सारे कंपनी जिसमें आज ट्रेड हुआ है रख लिया अपने पास। अब बताइए रख करके क्लियरिंग कॉर्पोरेशन मालामाल हो गया, इतने शेयर्स इतने पैसे सब आ गए, उनको स्टॉक एक्सचेंज से पैसे लेने की क्या जरूरत है, इनका तो इसी में खूब कमाई, किसी का ना दे लेके भाग जाए, बोला नहीं इस पर्पस के लिए वो नहीं है। अब क्या करें, जिनका जो है वो कैश जिन तक पहुंचना है, पैसा किनको पहुंचना है, इस केस में बी को, और शेयर्स
तो बोला ए को शेयर पहुंचा दो और बी को क्या करो। और ऐसे जिसके जो पैसे पहुंचाने यहां से पैसे पहुंचाओ और जिनको शेयर पहुंचाना वो क्या करो। लेकिन इन्होंने क्या बोला कि मैं यहां जमा कर लिया लेकिन मैं यहां से देने नहीं जाऊंगा। बोला क्यों भाई। बोला कि मैं इसके लिए अलग अकाउंट बनाऊंगा और वहां से जो है वो पैसे पहुंचाऊंगा। बोला लेकिन पहुंचाएगा ना पैसे। तो बोला हाँ। तो बोला कोई बात नहीं तू मर ऐसे ही कर। कितने बार नहीं होता है आप घर में बोलते हैं कि नहीं मैं ला तो दूंगी लेकिन अभी नहीं, मैं उधर से आते रहूंगी ना ये कर दूंगी, क्या जो करना है कर लेकिन लेते आना। तो ऐसे ही जो है वो इसने क्या बोला कि मैं यहीं से नहीं दूंगा। नहीं तो ये क्या कर सकते थे, क्रेडिट होता जाएगा इनका सारा का सारा कैश यहां पे, ये क्रेडिट होगा और यहीं से डेबिट कर सकते थे या नहीं, यहीं से सारा पैसा पहुंचा देते वापस। ये देखिए ना यहां आया और यहां से ही कहां पहुंचा देते, यहां पहुंचा देते। बोला नहीं यहां से पहुंचाऊंगा नहीं, यहां पे सिर्फ जमा करूंगा। क्या जमा करूंगा, पैसे भी और यहां से नहीं दूंगा। बोला फिर दोगे कहां से, तो बोला मैं देने का काम करूंगा पे आउट अकाउंट से, यानी ये अकाउंट सिर्फ मेरा क्रेडिट होगा ताकि मुझे हिसाब करना आसान हो जाए कि यहां सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है इसमें आ रहे हैं जाना नहीं। कहा कि फिर, तो बोला कि ऐसा इसीलिए कि आ भी रहा है इधर से जा भी रहा है तो मुझे एरर का चांस लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा यहां सिर्फ आने वाला पैसा आ गया और जब सब आ गया तो एक ही बार ऐसे करके उठाऊंगा और क्या करूंगा एक जगह पहले रखाऊंगा। बोला कि ऐसे क्यों, आने देना आ रहा है ऐसे करके देते जा। बोला नहीं, ये बिल्कुल वही चीज हुआ कि जो है वो खाना तो है ही, रोटी बना है तो सब लोग खाएंगे या नहीं, हाँ या ना। लेकिन जो है वो बोला गया कि ऐसे नहीं कि एक तरीका हुआ रोटी बनता जा रहा है इधर जो है वो थाली में पहुंचता जा रहा है, और एक तरीका हुआ कि रोटी एक बार बन गया फिर उसको वहीं पे छोड़ देंगे, नहीं अब उठा करके डाइनिंग टेबल पे रख दिया, सब लोग खाने बैठे अब वहां से डाइनिंग टेबल से, ये नहीं कि किचन से ही। एक तरीका तो ये भी हो सकता है कि किचन में यहां करके आप क्या करते जा रहे लेते जा रहे। बोला कि नहीं मेरे लिए इनकन्वीनियंस है, बना भी रहे और ऐसे सर्व करने में दिक्कत हो, पहले बना लेते हैं फिर वहां रख देंगे फिर सारे लोग खुश लेना मजे से। तो वैसे ही यहां पे बोला कि पहले क्या करते हैं सारा का सारा जमा कर लेते हैं और जब सारा पैसा जमा हो गया तो ऐसे करके एक साथ उठाया और जाकर के कहां पे रख दिया, पे आउट कैश अकाउंट में, और जितने भी शेयर्स थे वो कहां रख दिया। और बोला यहां कोई क्रेडिट नहीं, यहां से सिर्फ और सिर्फ क्या होगा ताकि मुझे पता रहे कि यहां कुछ छूट तो नहीं गया। और बोला पे इन में, बोला पे इन में कैसे छूटेगा, यहां से तो उठा करके क्या किया हमने सब एक ही बार पे आउट में डाल दिया, तो यहां से तो छूटने का कोई सवाल, यहां से तो बस ये देखना है कि ऐसा तो नहीं किसी का आया नहीं है, तो देखना मेरे लिए क्या हो जाएगा आसान। काम था किसका, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का, उसकी मर्जी वो जैसे करे, क्योंकि तो गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसका काम ही है सेटलमेंट करना, अगर एक भी गड़बड़ी हुआ तो उसे काम कौन देगा, तो उसने अपना ये तरीका अपनाया। बिल्कुल वैसे ही समझ लीजिए कि आप देखते होंगे घर में जब किचन में काम हो रहा होता है तो किचन में एक छोटा सा जो है वो डस्टबिन रहा, उसी में लोग जो है वो काट करके छिलका वगैरह डालते गए, सिंक वगैरह के नीचे रख दिया। लेकिन अगर कूड़ा वाला आता है तो क्या करते हैं, यहां से उठा करके मेन गेट के पास रख देते हैं, वहां से कूड़ा वाला लेके चला जाता है, अपने डब्बे में डाल लेता है, उसको वहीं छोड़ देता है, ऐसे ही करता है, चाहे अपने बोरे में डाले डब्बे में डाले और उसको वहीं छोड़ देता है। ये तरीका भी तो हो सकता है कि सीधे जो है वो आपके किचन में आए, डब्बा खोले और उसको अपने में डाल ले। मुझे ये बताइए इसमें दिक्कत क्या है, हो सकता है या नहीं हो सकता, आखिर वो ले जा रहा है तो यही मेन गेट से ले जा रहा है, यही अगर मेरा किचन यहां होता तो यहीं पे तो मैं डब्बा रख रहा हूं, यहां से भी तो आके ले जा सकता है, लेकिन मैंने क्या किया यहां पे पहले जमा कर दिया और जमा करने के बाद इसको ले जाकर के कहां रख दिया, क्योंकि अगर मम्मा देख ली कि वो किचन तक आ गया था तो पाइप लेकर के आप भी घर धोएंगे और वो भी वाइपर लेकर के क्या कर रही होगी, साफ कर रही होगी। लेकिन देखिए ये चीज आज के समय, पहले हम कहते थे कि ये जो है सुपरस्टिशंस है, लेकिन जरा सोच करके देखिए कोरोना ने लोगों का सोचने का तरीका बदला या नहीं बदला। सेनेटाइज होकर के तो घर के लोग आते थे, नहीं आते थे अगर बाहर निकल रहे तो सोचिए कितने दूर तक हमारे जो पूर्वज थे, जो हमारे पहले के लोग थे, उनका सोच जरा देखिए। कहने के लिए हम हर बात को क्या कह देते थे, सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास, ये सब गलत बात है। लेकिन सोच करके देखिए अगर कभी ऐसा हुआ, पता नहीं आप लोगों ने ये समय देखा या नहीं, आपके घर में अगर रूरल एरिया में आपके पास जमीन वगैरह और खेती करने के लिए कोई आता था तो कुछ ऐसे लोग होते थे उनके लिए अलग बर्तन रखा हुआ था और वो दरवाजे पे ही रहेंगे, वहीं से खाएंगे और वहीं से जाएंगे। अब क्यों, घर में छोटे बच्चे होते थे, उनको कहीं जो है वो इन्फेक्शन ना हो,
जरा सोचिए, यही तो आपने कोरोना में देखा, अपने घर के लोग तक को बच्चे से नहीं मिलने दिया जा रहा अगर वो बाहर से या मेडिकल सर्विसेज वगैरह में है। तो जरा सोचिए, समझाने का तरीका उस समय वही था, उस समय लोग इस बात से नहीं समझते अगर बोला जाता साइंस की तरह कि इससे जो है वो नुकसान हो सकता है, ऐसे में लोग नहीं समझते, तो उसको क्या नाम दिया गया, धर्म का। बहुतों बार धर्म का मदद जो है वो लिया गया सही काम के लिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी, बहुत बार जो है वो डराने धमकाने जैसा चीज सिर्फ और सिर्फ हमारे अच्छे के लिए, चाहे जिस भी धर्म का रहे, तो उसके लिए किया गया, लेकिन हमने जो है वो उसको कुछ अलग तरीके से रंग दिया, इसीलिए वो सुपरस्टिशन बन गया, नहीं तो वो सारी बातें उसी तरह से होती थी। देखिएगा, उनके कप अलग होते थे, वो केले के पत्ते पे खिलाया जाता था, जरा सोच करके देखिए क्या था? क्यों पहले भोज वगैरह होता था, आपने कभी रूरल एरिया का भोज देखा है? अब तो वहां भी जो भोज होता है वो पार्टी से कम नहीं, लेकिन मैं एकदम ट्रेडिशनल भोज की बात कर रहा हूं। हाँ, आपके पास मजदूर होते थे और वो जाते थे केले के पत्ते काटते थे, वो नहीं कि पत्तल बना बनावाया वाला रहेगा, क्या काटा जाता था, केले के बहुत सारे पत्ते, तब उसको बीच में काट काट करके बनाया जाता था। आपको पता है क्या रीजन था? दो रीजन, एक तो ये था कि उस समय आपके पास जो है वो उतने सारे चीज नहीं थे, पत्तल वगैरह, और दूसरा केले के पत्ते में खास तरह का जो है वो चीज होता है जिसमें कीड़े वगैरह नहीं होते हैं, यानी कि वो पत्ते में अगर आप खा रहे हैं तो वो सेफ है, एक तरह से कहिए कि वो आपका पूरे तरह से स्टरलाइज चीज हो गया। अभी भी आप जब खा रहे होते थर्मोकोल या बाकी वाले चीज पे, तो वो बिल्कुल सेफ नहीं है। हाँ, अगर अच्छे कंपनी का है तो वो स्टरलाइज होकर के आता है और उसी चीज के दाम लगते हैं, और तब उसकी कीमत 2-2 रुपए एक प्लेट की पड़ती है, और नहीं तो थोक के भाव से 10-10 पैसे पड़ेंगे। वो जो नॉर्मल थर्मोकॉल वाला होता है वो नहीं, उसी में देखिएगा एक रैप होकर के आएगा और उस पर लिखा रहेगा यूवी स्टरलाइज। जरा सोचिए, जहां प्लास्टिक बना होगा कैसे बना होगा, फैक्ट्री से निकला ऐसे ऐसे पैक होता जा रहा, डस्ट वगैरह सब चीज तो है ही, और कौन सा आप खाने से पहले उसको रगड़ रगड़ के धो रहे होते, रगड़ के धो रहे होते तो डिस्पोजेबल क्यों कहलाता? पानी का ग्लास रखा हुआ निकाल, कितने बार देख के लग जाएगा, अरे इसमें तो छोटे छोटे कण भी है प्लास्टिक के, क्योंकि उसको मशीन से लगाया गया है, और उसी में देखिए कुछ पैक करके क्या आएगा, वो स्टरलाइज होगा, दैट इज कॉस्टली वन, जो आपको उस कुछ जगहों पे मिलेगा। कहने का मतलब बस ये है कि यहाँ पे इन्होंने सारे चीज को क्या किया, इकट्ठा किया, और बोला गया कि आप बाहर से ही डस्टबिन लेकर के जाए, और वही डस्टबिन यहाँ पे इकट्ठा किया गया, कहाँ पे, पे इन अकाउंट में, पे इन अकाउंट के किस में, कैश अकाउंट में, और यहाँ पे किस में, और सारे के सारे को उठा करके कहां फेंक दिया गया। अब जितना भी जो है वो क्रेडिट होगा, जितना भी जो है वो लोगों को पैसा या जाएगा, कौन सा चीज, शेयर्स, वो कहां से डेबिट होकर के, तो मुझे बताइए पे इन अकाउंट सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, क्रेडिट, और पे आउट अकाउंट सिर्फ क्या होगा। तो देखिए अब यहां पहुंच गया, यहां से जो है वो 1 लाख किसके पास चला गया, और यहां से जो है वो 1000 शेयर यहां से हटा, और किसके पास आ जाएगा, ये ब्लैक वाला, और ऐसे करके मुझे बताइए कि सिर्फ ये ए बी ट्रेड कर रहे होंगे, हर सेकेंड में करोड़ों लोग ट्रेड कर रहे होंगे या नहीं, तो मुझे बताइए ये फिजिकली रख पाना पॉसिबल है? फिर ये तो वैसा ही हो गया जैसे हम इंडेक्स को फॉर्म कर रहे थे। इसी चीज को करने के लिए एनएससी ने जिस मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया, जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया, उसका नाम क्या है, नेशनल एक्सचेंज ऑफ ऑटोमेटेड ट्रेडिंग या नीट कहिए, और इन्होंने जो किया उसका नाम क्या है, बोल्ट है, जिसको कहते हैं बॉम्बे एक्सचेंज ऑफ ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम। क्लियर है? हमने कहा था दो काम इनके, पहला काम तो पहले ही देख लिया था, टू डिटरमाइन द सेंसेक्स, और यहां पे क्या किया, टू डिटरमाइन द निफ्टी, और उसके बाद आज इसके ये भी काम देख लिए। दूसरा काम कौन सा, सेटलमेंट, एनएससी में हो रहा है तो एनएससी में होगा, बीएससी में हो रहा है तो, और इसी जो है वो सॉफ्टवेयर के जरिए होगा। क्लियर है बात? तो देखिए ये दोनों भी क्लियर और ये भी क्लियर, ये भी क्लियर, और ये हमारा जो है ये भी क्लियर, जिसको कहते हैं क्लियरिंग। कॉर्पोरेशन का काम देख लिया क्या है, सेटलमेंट करना, और आप देखिए कैसे ये डिपोजिटरी सिस्टम और स्टॉक एक्सचेंज दोनों मिलकर के सेटलमेंट करा पाया या नहीं। ऑर्डर कहां लगा, ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए, और फिर सेटल होकर के कैसे आया, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के जरिए। क्लियर है ये चीज, डन है? अब देखिए एक शानदार डिस्कशन है, और इसमें पता चलेगा कि आपने जो चीज मैंने आपको डिपॉजिटरी सिस्टम में बहुत इम्फेसाइज करके बताया था वो आपको उतना ही जो है वो ध्यान है या नहीं।
हम लोगों ने ट्रेडिंग मैकेनिज्म में बेसिकली पढ़ा था कि प्रॉफिट अगर किसी को हो रहा है तो प्रॉफिट का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, आप कम में खरीदिए और ज्यादा में क्या कीजिए, बेच दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। लेकिन एकदम ध्यान से सुनिएगा, कम में खरीदा और ज्यादा में क्या कर दिया, बेच दिया, तो आपको प्रॉफिट होगा। तो आपने शेयर्स को जो है वो खरीदा, आपको लगा कि इंफोसिस के शेयर का प्राइस जो है वो बढ़ने वाला है, तो आपने दिन के जो है वो मान लीजिए कि 10 बजे इसे खरीदा आपने, और खरीदा 100 रुपए के रेट से, और जब इसका प्राइस 2 बजे 150 हो गया तो आपने इसे बेच दिया। अगर मैं पूछूं कि प्रॉफिट हुआ या लॉस, तो कहा गया कि प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला है सेल प्राइस माइनस बाय प्राइस, और यही आपका क्या हो गया, प्रॉफिट। इसको बोलते हैं नॉर्मल सेलिंग या नॉर्मल ट्रेडिंग, जिसमें आपने खरीदा, प्रॉफिट बुक किया। लेकिन अगर मान लीजिए कि आज आपने इसे 100 में खरीदा और बेचा कितने में, 150 में, तो जब 100 में खरीद रहे थे उस समय आपके दिमाग में कोई ना कोई प्रेडिक्शन था कि आज प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा, या आपके दिमाग में था कि मस्त जो है वो शेयर का प्राइस गिरेगा, मैं कंगाल हो जाऊंगा, डूब जाऊंगा। नहीं, कुछ तो अच्छा प्रेडिक्शन होगा कि आने वाले समय में आज जो है इसका प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा, इसीलिए आपने ऐसा किया। लेकिन जरा सोचिए, अगर मार्केट अप ना हो तो क्या किसी को प्रॉफिट नहीं होगा। कहा कि प्रॉफिट का फॉर्मूला है सेल प्राइस माइनस बाय प्राइस, यानी कि खरीदो ज्यादा में, खरीदो कम में और बेचो उससे। कहा कि अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्राइस मार्केट में गिर रहा हो या बढ़ रहा हो। आप कहेंगे सर ये कौन सी बात आपने बोली कि प्राइस गिर रहा हो या बढ़ रहा हो, आपका प्रेडिक्शन बस सही होनी चाहिए। आपका प्रेडिक्शन था कि प्राइस क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है, तो आपने कम में खरीदा और ज्यादा में बेचा, आपका प्रेडिक्शन सही हो गया। अगर मान लीजिए कि मुझे आज लग रहा है कि मार्केट में कुछ न्यूज आया जिसके कारण शेयर्स के प्राइस गिरेंगे, 10 बजे मैंने देखा कि प्राइस 150 चल रहा है इंफोसिस का, पॉसिबल, लेकिन मेरा प्रेडिक्शन कह रहा है कि आज जो है इसके प्राइस जो है वो कम होंगे और ये प्राइस जो है वो बहुत नीचे चला जाएगा, क्योंकि मार्केट में ऐसा सेंटिमेंट डेवलप हुआ है, न्यूज आया है जिसके कारण ऐसा होगा। क्या हुआ भाई न्यूज, तो पता चला चाइना बॉर्डर पे तनाव है, शायद चाइना हमला कर दे। अगर ये पता चला, ऐसा न्यूज आया, मार्केट नीचे होना शुरू हुआ, अब मुझे क्या करना है कि अगर मैं प्रॉफिट बुक करना चाहता हूं तो इस समय अगर खरीदूंगा तो लॉस होगा, क्योंकि खरीदूंगा कितने में, 150 में मिल रहा है ना इस समय, लेकिन प्राइस तो क्या है, कम होने वाला है, तो मुझे तो नुकसान हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं कि शेयर्स को जो है वो पहले बेच देता हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा कि इतने बार जो मैंने बोला है कि शेयर खरीदने पे या बेचने पे क्या होगा, आंधी आएगा, तूफान आएगा, स्लो मोशन में हीरोइन का दुपट्टा उड़ेगा, हर बार आपने हंसा तो जरूर है, लेकिन उसका कोई सेंस है जो सेंस यहां पे यूज होगा। तो अगर आप शेयर्स को पहले खरीदे थे तो क्या हुआ था, आपके ट्रेडिंग अकाउंट के कैश अकाउंट से पैसे डेबिट हुए, जैसा भी अभी हमने देखा मिस्टर ए का हुआ, और उनके जो है वो किस अकाउंट में जो है वो शेयर्स आ गए, यही फेनोमेना हुआ ना, जब उन्होंने क्या किया, शेयर्स खरीदा, तो ऐसे ही जो शेयर्स बेचा तो शेयर्स किसने बेचा, तो मिस्टर बी ने जब शेयर्स बेचा तो इनके केस में क्या हुआ, आंधी तूफान आया नहीं, इनके केस में पहले इनका शेयर्स अकाउंट जो है वो क्या हुआ, और इनका कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ, यही फेनोमेना हुआ ना। तो बेचने पे भी क्या फेनोमेना होता है ये भी आपको पता है, और खरीदने पे भी क्या होता है फेनोमेना ये भी आपको क्या है, पता है। तो जरा मुझे बताइए कि अगर मैंने जो है वो पहले जो है वो शेयर्स को खरीदा, तो मैं पहले अगर शेयर्स को खरीदूंगा तो मेरा शेयर्स अकाउंट जो है वो 10 बजे जो है वो क्या हुआ होगा, इंफोसिस से क्रेडिट, और मेरा जो है वो कैश अकाउंट कितने रुपए से डेबिट, क्योंकि मैंने 100 रुपए के 1000 शेयर्स खरीदे थे। 2 बजे जब मुझे 150 का प्राइस दिखा और मैंने उस पर बेच दिया तो मेरे कैश अकाउंट में कितने पैसे आए, 1.5 लाख, क्योंकि 150 रुपए शेयर्स का प्राइस चल रहा है, और मेरा जो है वो शेयर्स अकाउंट में कितने शेयर डेबिट हो गए,
1000 इंफोसिस के शेयर, यही अकाउंटिंग हुआ ना। अब जरा सेम चीज करते हैं, अगर मैंने जो है वो इस बार 10 बजे शेयर्स खरीदा नहीं बल्कि शेयर्स बेच दिया, और बहुत जोर का मुक्का मारूंगा अगर ये पूछेंगे कि पहले बेच कैसे दिया, क्योंकि मैंने बार बार आपको बताया शेयर्स खरीदने और बेचने पे एक अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन होता है, ना कि जो है वो आंधी बिजली बरसात होता है। और गाना बजने लगा, कोई लड़का है जब वो हंसता है चक धूम धूम तक धूम धूम, तो ऐसा कहीं कोई म्यूजिक जो है वो नहीं बजता है, बस एक क्या होता है अकाउंटिंग फेनोमेना होता है, और वो यही होता है कि जब भी आप शेयर्स बेचेंगे, जब भी बेचिए, अभी बेचिए या बाद में बेचिए, जब भी आप बेचेंगे तो उस केस में पैसे आएंगे और शेयर्स क्या होंगे जाएंगे, और जब भी खरीदेंगे तो पैसे जाएंगे और शेयर्स आएगा। तो अब 10 बजे आपको लगा कि 150 रुपया इस समय शेयर्स का क्या है प्राइस है, कितना, लेकिन आपको लग रहा है कि प्राइस क्या होने वाला है कम क्योंकि मार्केट गिरेगा। आपने 150 रुपए में शेयर्स को बेच दिया, कितने बजे 10 बजे बेच दिया, तो जब आप बेचेंगे तो आपके पास 1.5 लाख रुपए आएंगे, और इधर आपका शेयर्स अकाउंट क्या हो गया डेबिट बना हुआ है, कितने शेयर्स का 1000 इंफोसिस के शेयर का। 2 बजे जो है वो आपका प्रेडिक्शन सही रहा और प्राइस कितने पे आ गया, अब आपने खरीद लिया, अब आपने खरीद लिया, तो मुझे बताइए आपने जो है वो कितने में खरीदा कितने में बेचा, अब कौन सा चीज पहले किया कौन सा बाद में किया, इससे क्या फर्क पड़ना है। प्रॉफिट का फॉर्मूला तो सीधा है, सेल प्राइस माइनस, तो जब दोनों प्राइस आपके सामने आ गए तो दोनों का डिफरेंस ही तो आपका अगर पॉजिटिव है तो क्या है आपका, यही तो आपका प्रॉफिट है। तो इस बार भी आपको प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ, तो मार्केट गिर रहा है आपने प्रॉफिट बुक किया, मार्केट बढ़ रहा है तो भी आपने क्या किया प्रॉफिट बुक किया। तो प्रॉफिट कमाने के लिए मार्केट का बढ़ना जरूरी नहीं है, आपके ज्ञान का बढ़ना जरूरी है, आपका प्रेडिक्शन और आपका नॉलेज होना चाहिए कि आपने अगर जिस इंस्ट्रूमेंट का जिस कंपनी के शेयर्स का प्राइस प्रेडिक्ट किया बढ़ेगा, अगर वो बढ़ता है तो पहले खरीद के तब बेचिए, आपको लगता है कि उसके प्राइस क्या होंगे गिरेंगे तो पहले क्या कर दीजिए, लेकिन जब आप पहले खरीदते हैं और तब बेचते हैं, यानी कि कम पे पहले खरीदा और बाद में ज्यादा पे क्या कर दिया, तो उसको बोलते हैं नॉर्मल ट्रेडिंग बोलते हैं, सिर्फ क्या बोलते हैं नॉर्मल सेलिंग या ट्रेडिंग बोल देते हैं। लेकिन जब आप पहले बेच देते हैं और बाद में क्या कर लेते हैं, दोनों ही केस में दोनों काम हो रहा है, वहां भी बाय और सेल एक्टिविटी हो रहा है, यहां भी बाय सेल, वहां पहले नॉर्मल केस में पहले बाय करते हैं फिर क्या करते हैं, याद रखिए कहीं भी डिलीवरी नहीं हो रहा, कहीं भी शेयर्स और सामान हाथ में फिजिकली कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ अकाउंट में लिखा जा रहा है, तो लिखते वक्त इसको डेबिट पहले करे इसको बाद में क्रेडिट करे क्या फर्क पड़ना है, बस दोनों काम क्या होना चाहिए हो जाना चाहिए। यहां भी देखिए आपका शेयर्स नील बचा, जितने डेबिट हुए तो उतने क्रेडिट हो गए, यहां भी जो है वो नील बचा, और दोनों का जो डिफरेंस होगा यही आपका प्रॉफिट है। तो यहां भी आपने 50,000 का प्रॉफिट बुक किया, यहां भी क्या कर लिया 50,000 का प्रॉफिट जो है वो आपने बुक कर लिया। तो जब आप पहले बेच देते हैं और बाद में क्या करते हैं खरीदते हैं, तो इस चीज को हम लोग बोल देते हैं शॉर्ट सेलिंग, क्या बोल देते हैं शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। अब यहां पे बात ये आता है कि शॉर्ट सेलिंग क्या हर केस में कर सकते हैं, तो सबसे पहले सेबी ने कहा कि सारे शेयर्स में हम ये अलाउ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपने पहले खरीदा और अगर आप नहीं बेच पा रहे हैं तो कहा कोई बात नहीं आप उसको अपने पास रख लीजिएगा और सारा पैसा दे दीजिएगा, यही होगा ना, आप इसको आज नहीं कभी और बेचिएगा। लेकिन अगर मान लीजिए पहले आपने क्या कर दिया बेच दिया, तो आपने अगर बेच दिया तो आपको खरीद करके वहां रखना है, ये कैसी बात हो गई कि जरा सोचिए कि आपने जो है वो कोई सामान खरीदा और इसलिए खरीदा कि उसे ज्यादा दाम में बेच करके प्रॉफिट कमाएंगे, कोई ग्राहक नहीं मिला तो कोई आकर के क्या मुक्का मारेगा नहीं, अपना सामान आप क्या कीजिएगा रखे रहिएगा, जब मर्जी होगा तब जाकर के क्या करेंगे बेचेंगे। लेकिन जरा सोचिए अगर आपने जो है वो किया क्या कि किसी का सामान जो है वो आपने जो है वो बेच दिया, और ये कैसा सिचुएशन हुआ, मान लीजिए कि प्रीति के पास जो है वो 5 पेन, ठीक बोला, प्रीति के पास जो है वो 5 पेन, अब ये 5 पेन इनके पास, ये भी प्रीति है ना, हाँ प्रीति के पास जो है वो 5 पेन, अब इनके पास 5 पेन है, इन्होंने अपने बैग में रखा हुआ है,
एक या दो पेन से ये क्या करेंगे, अपना लिखने का काम कर रहे हैं, और फिर जो है जब ये शाम में जाने लगते हैं तो अपना पेन वगैरह चेक कर लेते हैं, सब पेन तो है क्योंकि बगल में जो है वो इनके फ्रेंड जो है वो बैठे हुए हैं दिशा, तो अभी ऐसे ही सब बिखरा उखरा है, कोई बात नहीं, बाद में देख लेते कि कोई किसी के बैग में ना गया हो। अब मान लीजिए कि दिशा का जो है वो पेन खत्म हो गया, क्लास इस समय चल रही है, इन्होंने जो है वो क्या किया, प्रीति का जो है वो एक पेन निकाला और उससे लिखने लगे, ठीक, लिखा लिखा लिखा, अपने पास रखे हैं, लिख रहे हैं। अब ब्रेक हुआ, ये ब्रेक में गए, एक पेन खरीदा, सेम पेन जो था, और ला करके उनके बैग में रख दिया। प्रीति को कुछ पता चला क्या हुआ? नहीं। लेकिन अब जो है वो शाम को इन्होंने रखा नहीं और उसके बाद ये बैग चेक करने लगे। अब देखिए एक और चीज, अगर यहां पे जो है इनको नजदीक में मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो थोड़ा और क्या करना पड़ा होगा, दूर जाना पड़ेगा, फिर और दूर जाना पड़ेगा। लेकिन अगर इनका अपना चीज रहता तो वैसे केस में इनको बेचने को लेकर के कोई जल्दबाजी नहीं होती, लेकिन यहां इन्होंने किसी का पेन क्या किया हुआ है, ले लिया है, एक तरह से चीज को बेच दिया है। तो आज जो है वो क्लास खत्म होने तक उनको बैग में ला करके क्या करना है, रखना है, नहीं तो प्रीति को क्या चल जाएगा, पता चल जाएगा। अब अगर मान लीजिए कि फिर अंत में हुआ कि ये पेन अगल बगल ढूंढे, सही में नहीं मिला, पॉसिबल, क्यों में नहीं मिला, तो भाई दुकान में नहीं था पेन। अब दुकान में पेन नहीं था, इनको नहीं मिला, अब शाम में जो है वो पोल खुलेगा कि मेरा जो है आपने क्या किया, पेन लिया। अब ये बोलेंगे ठीक है मेरा वो पेन लिया, तो अब जो है वो पेन जो है वो कल ला करके देना भी है, या अभी चलो अभी ढूंढ करके जहां से मिले लेकर के आओ, और साथ में जो है वो पेनल्टी में भी पैसे दो। अब ये जो है वो दूर जाएंगे, अब जितना जा रहे इनका खर्च बढ़ता जा रहा है, वो पेन 10 रुपए का दूर जा रहे, पता चला उससे ज्यादा जो है वो ई रिक्शा वाले ने ले लिया, लाए और उसके बाद ये बोल रहे 5 रुपए का फाइन भी दो। अब अगर आज नहीं मिला वहां पे भी तो बोलेंगे अब कल आना, तो याद रखना कल जो है वो इतने पैसे लगेंगे, पेन भी और इतने पैसे लगेंगे। हर केस में पेन भी ले रही है और इनका जो है वो एक तरह से कहिए कि डैमेज या कंपनसेशन या पेनल्टी बढ़ाते जा रही हैं। कल भी नहीं लाई तो अब इनको क्या करना पड़ेगा, परसों और ज्यादा लगेगा। बिल्कुल यही चीज है। यहां पे इन्होंने बोला कि सबसे पहले तो सेबी ने कहा हमें सेटलमेंट भी तो देखना है, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ उन कंपनीज में ये शॉर्ट सेलिंग होगा जिनका ट्रेडिंग बहुत ज्यादा होता है, ऐसा ना हो कि बंदा जब खरीदने के लिए जाए तो कोई बेचने वाला है ही नहीं। और पॉसिबल ऐसा हो सकता है कि आपने क्या किया कि शेयर्स को बेच दिया 150 रुपए में, ये सोच करके कि प्राइस क्या होगा, कम होगा, लीजिए प्राइस 200-250, और लोग अब क्या कर रहे हैं, बेच ही नहीं रहे। क्यों नहीं बेच रहे, क्योंकि सबको लग रहा है कि कल इसका प्राइस क्या होगा, और भी ज्यादा होगा तो रख लेता हूं। अब आपके पास पैसे अगर है, अगर मान लीजिए लोग बेच रहे हैं, तो सेबी ने बोला चाहे 5000 में भी क्यों ना मिले, शेयर्स क्या करना पड़ेगा, खरीदना ही पड़ेगा आज 330 तक, और कहा कि अगर नहीं खरीद पाए तो बोला कि 330 के बाद आपको लगेंगे पेनल्टी, कहा कि आपको एक और मौका मिलेगा 330 के बाद, और वो कहलाता है ऑप्शन ट्रेडिंग। क्या कहलाता है, ऑप्शन। मार्केट बंद हो गया 330 में, तो एक बार दोबारा से जो है वो मार्केट बंद होने के 10-15 मिनट के बाद 10-15 मिनट के लिए ऑक्शन ट्रेडिंग होता है। अब कहेगा कि जो लोग उस समय नहीं बेचे थे तो ऑक्शन में क्या होगा, जिनके पास शेयर्स रहता है वो एक बार देखते जरूर है कि ऑक्शन में कौन सा शेयर आए, क्यों, क्योंकि ऑक्शन में आप बहुत महंगा भी बोली लगाइएगा तो सामने वाले को लेना पड़ेगा। रीजन, समय हो गया है, दिशा को पेन उनके बैग में क्या करना है, प्रीति के बैग में रखना ही पड़ेगा, तो ऐसे केस में चाहे दूर जाना पड़े अब जाना ही पड़ेगा, आपको जो है वो शेयर्स जो है वो वापस लाने पड़ेंगे, क्योंकि आपने 1000 शेयर्स क्या किया इंफोसिस का, बेच दिया है, तो आपको ला करके शेयर्स क्या करना है, देना ही है। और उस समय ऑक्शन में और महंगा प्राइस हो जाता है, कहा कोई बात नहीं है, जितना भी महंगा हो जाए आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा ही, और अगर 330 तक नहीं खरीद पाए और ऑक्शन में खरीदेंगे तो पेनल्टी आपको लगेगा जो सेबी लगाएगी, स्टॉक एक्सचेंज लगाएगी, और जितने प्राइस में मिल रहा है वो तो आपका लॉस है ही, जितना ज्यादा डील, अगर उस समय ऑक्शन में भी नहीं मिला तो कोई बात नहीं कल फिर, और जितना दिन बीतेगा उतना ज्यादा आपका पेनल्टी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो देखिए दो बातें, कहा पहले तो ये सारे शेयर्स में नहीं होगा, क्योंकि हर शेयर्स में इतना ज्यादा मूवमेंट नहीं होता है, पता चला कोई बेचने वाला नहीं रहेगा तब तो ये काम ही नहीं हो पाएगा, शॉर्ट सेलिंग का मैकेनिज्म ही फेल कर जाएगा। और दूसरा इन्होंने कहा कि हर केस में
अगर आपका जो है वो 330 तक आपने जो है वो नहीं खरीदा तो आपको क्या लगेगा, पेनल्टी लगेगा ही लगेगा। तो इसीलिए गिरते मार्केट में भी प्रॉफिट होता है, लेकिन अगर आपको उस गिरते मार्केट में सही प्रेडिक्शन नहीं आता है तो बिल्कुल इसमें हाथ ना लगाएं। नहीं तो अगर खरीद लिया है और प्राइस नहीं बढ़ रहा है तो कोई बात नहीं, कुछ दिन बाद बढ़ जाएगा, उस समय बेच लीजिएगा, पॉसिबल है। लेकिन अगर पहले बेच दिया है तो हर शर्त पे आपको क्या करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, और जितना डिले होगा उतना आपका फाइन पेनल्टी क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो इसीलिए शॉर्ट सेलिंग में बहुत लोग बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन ये वो होते हैं जो काफी एक्सपर्ट होते हैं। तो जब आप देख रहे होते ना कि मार्केट गिरा, लुटपिट गए, उस दिन जो है वो मोतीलाल ओसवाल, राकेश झुनझुनवाला, खैर आप तो नहीं रहे, ये बड़े बड़े जो भी इस तरह के जो है वो लोग हैं, वॉरेन बफेट, जो भी इस तरह के एक्सपर्ट हैं, उन सबको क्या हो रहा होता है, उनको प्रॉफिट हो रहा होता है, क्योंकि उनको पता है कि प्राइस क्या होने वाला है, कम। तो आम लोगों को नुकसान हो रहा है और उनको क्या हो रहा है, क्योंकि एक आपका सीधा प्रेडिक्शन का ही तो खेल है कि आपको पता है कि प्राइस क्या होने वाले हैं, तो उस समय तो और बेचने के लिए ज्यादा लोग आते हैं, जितना ज्यादा लोग बेचने के लिए आएंगे उतना ज्यादा प्राइस और क्या होगा, डाउन हो जाएगा। क्लियर है? तो इसी चीज को क्या हम बोलते हैं, ऑक्शन। तो ऑक्शन कभी भी नहीं होगा अगर कोई क्या ना करे, शॉर्ट सेलिंग ना करे। और ये मार्केट में जो है वो कब ट्रेड होता है, आपका 9 से लेकर 3:30 तक नॉर्मल मार्केट आवर है। अगर आपने शॉर्ट सेलिंग किया था तो वैसे केस में 330 तक शेयर्स ले लीजिए तो कोई बात नहीं है, 330 के बाद जो है वो आपका मार्केट स्टार्ट होता है, जिसको कौन सा मार्केट कहते हैं, ऑक्शन कहते हैं। और ये इसीलिए हुआ क्योंकि आपने क्या किया था, ट्रेडिंग टाइम में आपने शॉर्ट सेलिंग किया था, और ट्रेडिंग टाइम है 9 बजे से लेकर 3:30 तक, और उस समय आपने जो शॉर्ट सेलिंग किया था, आपने जो शेयर्स बेचा था उसको 3:30 तक आप खरीद नहीं पाए थे, तो इसीलिए आप ऑक्शन में आकर के उसे क्या करेंगे, खरीदेंगे। यानी देयर इज ऑलवेज एंड इट विल गो फॉर अप्रोक्स कितना, 10-20 मिनट के लिए होता है, बिल्कुल पत्थर की लकीर नहीं तो दे देते कि ऑक्शन इज स्टार्टेड, इतने देर तक होगा। कभी कभी तो लोग रहते नहीं है तो ऑक्शन खत्म हो जाता है, नहीं तो जो है वो थोड़ी ज्यादा देर चलता है। कह रहे हैं कि देयर इज ऑलवेज समवॉट पेनल्टी इन केस ऑफ शॉर्ट सेलिंग व्हेन शेयर्स आर नॉट परचेज ड्यूरिंग ट्रेडिंग टाइम, में नहीं हुआ तो हमेशा क्या लगेगा आपको, पेनल्टी इंपोज किया जाएगा, दिस इज कॉल्ड व्हाट। तो ऑक्शन जैसे चीज का कॉन्सेप्ट कब आया, जब आपने क्या किया है, शॉर्ट सेलिंग किया है, तो ये कॉन्सेप्ट आता है। आपको ये नहीं लिखना है क्योंकि ये सब आपको ऑलरेडी बताया हुआ है पहले से, यहां पे बस आपको लिखना किस चीज है, ऑक्शन को। और ऑक्शन के लिए मुझे वो बताना था कि जब हम शॉर्ट सेलिंग करते हैं तभी क्या जरूरत पड़ती है हमें, अगर किसी ने शॉर्ट सेलिंग नहीं किया तो उसको ऑक्शन में कभी भी जाने की जरूरत नहीं है, खरीदने की होती है। डन कीजिए इसको, डन है सबका। अब देखिए, हमने स्टॉक एक्सचेंज के 3 जो है वो सेगमेंट बनाए थे, एक हमारा क्या था, लिस्टिंग, एक हमारा डिलिस्टिंग, और एक हमारा ट्रेडिंग। ये 3 हमारे सेगमेंट थे। सर एक बार ठीक कीजिए, मेरे से नहीं शिफ्ट हो रहा है। ये जो हमारे 3 सेगमेंट, इन तीनों सेगमेंट में हमने लास्ट में ट्रेडिंग वाले एस्पेक्ट को पढ़ना शुरू किया, और जहां हमने अभी जो बात की वो किसकी बात की, ऑक्शन की हम लोगों ने बात की। अब यहां पे हम लोग कह रहे हैं कि अगर हम चाहें कि एक साथ हम बहुत सारे शेयर्स में क्या करें, ट्रेड करें, तो एक तो तरीका है कि हम अपने पैसे अलग अलग कंपनी के शेयर्स में लगा दें। बहुत ध्यान से सुनिएगा, लेकिन कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि क्यों ना हम उन कंपनीज में ट्रेड करें जिसको निफ्टी ने रखा है अपने पास डिटरमाइन करने के लिए, या जिसको जो है वो सेंसेक्स ने जो है वो अपने डिटरमिनेशन के लिए रखा, यानी कि इंडेक्स के लिए रखा है। कहा उसमें हम कैसे करेंगे, तो कहा कैसे करेंगे, क्या कंपनी के नाम दिए हुए हैं इंडेक्स में, कौन कौन से हैं, आप उसके शेयर खरीदते जाइए। तो कहा कि हम कैसे और किस प्रोपोर्शन में उसमें इन्वेस्टमेंट करें कि हमें बेनिफिट उसी तरीके से हो जैसे निफ्टी बढ़े। जैसे अगर सेंसेक्स बढ़ा, निफ्टी बढ़ा, तो कह रहे हैं कि हमें जो है वो प्रॉफिट हो, क्योंकि आपको जो है वो इंडिविजुअल कंपनी का नहीं पता, लेकिन आपको ये लगता है कि निफ्टी आज ऊपर जाएगा,
यानी कल जितने पे बंद हुआ उससे आज क्या होगा, ज्यादा पे बंद होगा, या सेंसेक्स उससे ज्यादा पे बंद होगा। लेकिन आप उसी प्रोपोर्शन में प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो मैंने आपको दो तरीका बताया। एक तरीका बताया कि हर उस कंपनी में पैसा लगाइए जिससे सेंसेक्स बनाया, हर उस कंपनी में लगाइए जिससे जिसको निफ्टी ने क्या किया है, अपने इंडेक्स के लिए डिटरमाइन किया है, लेकिन उसको किस प्रोपोर्शन में लगाइएगा मुश्किल है। तो इन्होंने क्या बोला कि आप एक बार में पैसा लेकर के आओ और हमें बताओ और हम उसको खास प्रोपोर्शन में वहां लगाएंगे, उसी प्रोपोर्शन में जिस प्रोपोर्शन में उसमें उसका वेटेज है। अब उसमें उसका वेटेज कितना है और ये प्रोपोर्शन क्या है और ये किस नाम से जाना जाता है, तो इसी को हम बास्केट ट्रेडिंग कहते हैं। तो बास्केट ट्रेडिंग है क्या, कैसे करते हैं, और फिर इसमें हम लोग देखेंगे कि अगर मार्केट में कोई एक ही बार आकर के बहुत सारा शेयर खरीदे और बेचे तो क्या उससे कंपनी के शेयर्स का प्राइस इफेक्टेड नहीं होगा। तो इन चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तो फिलहाल आज की CMSL की सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।